Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine, happy and healthy. Welcome in this second session of the class of this RP RC5. My dear students, some basic concepts we had studied in the last class, in the first class. And now we are going to discuss some details. जिन चीजों को हमने पिछली पहली क्लास के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यूज लिए थे, हम उनकी डिटेल्स में अब जाने की कोशिश करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, विजन स्टेटमेंट को हम पहले देखते हैं। यहाँ आपके सामने विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दिया हुआ है, विजन एंड विजन दिया हुआ है। तो काइंडली सबसे पहले तो आप इस विजन को काट दीजिए, कट कर दीजिए, ये डबल टाइपिंग हो गई है, राइट? तो आप इसको विजन कर दीजिए, ये जस्ट विजन है। ऑलराइट, तो आप इसको विजन एंड को कट कर दीजिए, दिस इज रॉन्ग। ये सिर्फ विजन स्टेटमेंट है जो अब हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। माय डियर स्टूडेंट्स, यू माइट रिमेंबर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड दैट विजन स्टेटमेंट रिलेटेड विद द फ्यूचर। विजन का ताल्लुक फ्यूचर आउटलुक से होता है, फ्यूचर से होता है, राइट? हम फ्यूचर में एक सोच, एक तसव्वुर, एक ख्याल अपने बिजनेस के बारे में या अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या रखते हैं, उसे हम विजन कहते हैं। यानी विजन का मतलब होता है कि फ्यूचर के अंदर हम अपनी चीजों को कैसे देख रहे हैं, हमारी सोच, हमारा तसव्वुर, हमारा ख्याल, यानी हमारा विजन क्या है किसी बिजनेस के बारे में या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में या बिजनेस के फ्यूचर के बारे में, इसे हम विजन कहते हैं। और उससे रेलिवेंट जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, या मेरा बिजनेस इतने अरसे के बाद यहां पहुंच जाएगा, तो ये बेसिकली आपकी सोच, आपका तस्वीर, आपका ख्याल फ्यूचर से रेलिवेंट है, इसलिए हम उसे विजन स्टेटमेंट कहते हैं, राइट? सो अ विजन स्टेटमेंट इज बेसिकली रिलेटेड विद द फ्यूचर। के कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्लान, कोई ऑर्गेनाइजेशन की होप, फ्यूचर में क्या हो सकती है, जो मैंने हाईलाइट किया अब स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स और व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन होप्स टू बी इन द फ्यूचर। कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या आप खुद भी फ्यूचर में क्या होप रखते हैं, क्या प्लान रखते हैं, आपकी सोच या तस्वीर या ख्याल में क्या है फ्यूचर के बारे में, ये आपका विजन स्टेटमेंट है, राइट? इसीलिए तो लोग कहते हैं कि यार फला आदमी बड़ा विजनरी है, यानी उसके फ्यूचर के इरादे बड़े बुलंद हैं, उसने अपने टारगेट्स बनाए हुए हैं, उस पर वो काम कर रहा है, राइट? सो उसके ये ख्यालात हैं फ्यूचर के, ये बड़ा विजनरी आदमी है यार, ये चीज जो चीज सोच ले, जो चीज तस्वर कर ले या अपना प्लान कर ले फ्यूचर के बारे में, उसको अचीव करना जानता है ये, राइट? हम कहते हैं ये विजनरी शख्स है, राइट? यानी उसके फ्यूचर के बारे में प्लान्स या होप्स हैं, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स और होप्स टू बी इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड विजन स्टेटमेंट। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका विजन स्टेटमेंट होता है, ये एक तरह का इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल स्टेटमेंट होता है। इसको देख के लोग मुतासिर होते हैं, इसको देख के, सुन के लोग इंस्पायर होते हैं कि जनाब इनके इरादे कितने बुलंद हैं, कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, राइट? सो आपका जो विजन स्टेटमेंट है वो क्लियरली इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आप खुद या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं अपने बारे में, अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, अपने इन्वेस्टर्स के बारे में, या वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है उनके बारे में, उनके क्या ख्यालात हैं, क्या सोच है, क्या तस्वीर है, क्या ख्याल है, ये विजन स्टेटमेंट से पता चलता है, माई डियर स्टूडेंट्स, राइट? सो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है, क्या उसकी वॉन्ट्स हैं, क्या वो चाहती है, बेसिकली आपके विजन स्टेटमेंट में नजर आता है, राइट?
माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप अपना आप विजन स्टेटमेंट बनाएंगे तो विजन स्टेटमेंट हमेशा के लिए याद रखिए कि एक इफेक्टिव मैसेज जो विजन स्टेटमेंट के जरिए से आप देते हैं, हमेशा याद रखिए इट शुड बी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑफ कोर्स रियलिस्टिक. यानी आपको जो विजन स्टेटमेंट है, इट मस्ट बी clear, it must be understandable, it must be optimistic, achievable, and of course realistic. Yani ke aisa na ho ke aapko jaise last time an example di thi, aapko yaad bhi hoga aur yahan di hui bhi hai ke ek unrealistic vision statement aisa ho sakta hai ki aapke gali ke kone pe ek choti si dukaan hai, ek corner store hai, aur wo kehta hai ke janab, you will see in next 6 months my this store will be converted to a big size company and I'll be bigger than Walmart or Amazon. So ye phir ek comical, it's a big comical, ye ek bada joke hai, bada mazak hai. Why? It is not realistic, right? So aap ye mazak nahi kar sakte, log hasenge. You got it? लोग वाकई मजाक बना देंगे, आप नहीं भी चाह रहे होंगे लेकिन वो आप पे आपका मजाक बन जाएगा. सो इसलिए योर विजन स्टेटमेंट मस्ट बी रियलिस्टिक, जो चीज अचीवेबल हो, जो चीज मुमकिन हो उस पे बात करें. ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट करता हूं कि आपका जो विजन स्टेटमेंट है इट मस्ट बी शॉर्ट, मुख्तसर, सिंपल, स्पेसिफिक एंड वो ऐसा हो कि जो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो. राइट, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो. यू गॉट द पॉइंट? सो आप लिख लीजिए कि योर विजन स्टेटमेंट शुड बी शॉर्ट, सिंपल, स्पेसिफिक टू द बिजनेस एंड रियलिस्टिक. ऑलराइट, तो आप ये जहां मैंने शॉर्ट, सिंपल, स्पेसिफिक लिखा है, स्पेसिफिक टू द बिजनेस लिखा है, इसके साथ साथ आप एक इजाफा और कर लीजिए कि शॉर्ट, सिंपल, स्पेसिफिक टू द बिजनेस एंड रियलिस्टिक. ये आप नोट कर लीजिए अपने पास और थोड़ा सा एक हल्का सा इसको रिव्यू लगाइए, क्विकली रिव्यू कीजिए, देखिए क्या कुछ क्लियर है. All right, so I have received the feedback. Okay, my dear students, so what we came to the conclusion that your vision statement, aapke soch, tasavvur, khayal, jo future ke baare mein hai, future mein aapka business kahan par hoga, aap apne business ko kahan dekh rahe hain, apne future ko kahan dekh rahe hain, apne career ko kahan dekh rahe hain, jo aapka vision hai, basically it should be short. जो आपका बिजनेस स्टेटमेंट बनेगा, जो आपका सेंटेंस बनेगा, जो स्टेटमेंट बनेगा, वो इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड मस्ट बी रियलिस्टिक. राइट, इसका ताल्लुक आपके फ्यूचर से होता है. राइट, इसका ताल्लुक आपके फ्यूचर से होता है. यस प्रेमराज, यू आर राइट. A vision statement has more to do with future and it must be properly realistic. It should be short, simple, specific, and specific to the business. उसी business के बारे में बात हो रही है, right जी? अच्छा, एक बात और यहाँ से हम रखते जाइए कि vision statement को आम तौर से ऐसा होना चाहिए जो लोगों की समझ में आ जाए, understandable हो, short हो. अब देखें हमारे पास कुछ examples यहाँ दी हुई हैं, आइए देखते हैं कि vision statements different organizations किस तरह से बनाती हैं. ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हबीब बैंक का विजन स्टेटमेंट है एनेबलिंग पीपल टू एडवांस विद कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस. राइट, अब ये आपके हबीब बैंक का विजन है. राइट, एनेबलिंग पीपल, क्या करना चाहते हैं, लोगों को किस काबिल करना चाहते हैं कि वो एडवांस करें विद कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस, तरक्की करें कॉन्फिडेंस और सक्सेस के साथ. राइट, ये वेबसाइट दी हुई है, यू कैन फाइंड दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट. इसके मुकाबले में ये कोका कोला का दिया हुआ है.
अब ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ये कोई ये बहुत डिटेल है, राइट? दिस इज अ लॉन्गर वन, सो हम इसको उस कैटेगरी में नहीं लेते कि जो कहा गया है कि शॉर्ट हो, फेमिलर हो, शॉर्ट हो, सिंपल हो, स्पेसिफिक टू द बिजनेस हो, रियलिस्टिक हो, राइट? अब से कोका कोला विजन स्टेटमेंट क्या है? आवर विजन सर्व्स एज द फ्रेमवर्क फॉर आवर रोड मैप एंड गाइड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट वी नीड टू अकम्प्लिश इन ऑर्डर टू कंटिन्यू अचीविंग सस्टेनेबल क्वालिटी ग्रोथ. So, ये नहीं, ये शॉर्ट है. यहाँ डिफरेंस करने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे इसको ना ही ये शॉर्ट है, ना ही ये सिंपल है, ना ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली कोई बिजनेस ओरिएंटेड है, राइट? तो इसलिए हम इसको उस कैटेगरी में इतना ज्यादा नहीं ले सकेंगे. ओके, सो एक किसी भी कंपनी का जो विजन स्टेटमेंट है वो शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए. ऐसा हो कि पढ़ते ही समझ में आ जाए. बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? और फिर मजीद यहां पे बात खत्म नहीं हुई. इन्होंने मजीद उसके अंदर फिर लोगों के बारे में डिटेल्स दिए कि लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, पीपल के लिए क्या, पोर्टफोलियो के लिए क्या, पार्टनर्स के लिए क्या, प्लैनेट के लिए क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट के लिए क्या देखते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए क्या देखते हैं. सो इन दैट सेंस ये इस तरह का डिटेल जो है वो आमतौर से अपीलिंग नहीं होता और लोग उसको याद नहीं रख पाते, लोग उसको समझ नहीं कर पाते, राइट? सो इसलिए ये इतना रियलिस्टिक नहीं है. हाँ, हबीब बैंक की हद तक काफी है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा काम दूंगा आपको, आप लोगों को आज की क्लास के बाद एज एन असाइनमेंट कुछ विजन स्टेटमेंट्स और कुछ मिशन स्टेटमेंट्स कुछ कंपनी के जो शॉर्ट हो, सिंपल हो, स्पेसिफिक हो, बिजनेस ओरिएंटेड हो, रियलिस्टिक हो, वो आपको जो मुख्तसर तरीन हो, आधी लाइन का, एक लाइन का, मैक्सिमम लाइक ऐसा हो जो कि शॉर्ट शॉर्ट हो, वो आपको फाइंड आउट करने हैं इंटरनेट से. जब आप लिखेंगे विजन स्टेटमेंट्स, मिशन स्टेटमेंट्स, तो आपके सामने बहुत सारी आ जाएंगी और आप उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो आप शॉर्टेस्ट और इजी आप समझ सकते हैं, वो आपने एज एन असाइनमेंट करने हैं. कम से कम आपको तीन विजन स्टेटमेंट्स और थ्री मिशन स्टेटमेंट्स आपको लिखने होंगे, राइट? किसी भी कंपनी के थ्री विजन स्टेटमेंट्स और किसी भी कंपनी के थ्री मिशन स्टेटमेंट्स लिखने होंगे. अच्छा, ये थ्री मिशन स्टेटमेंट्स से आप फाइव तक भी जा सकते हैं, 3 to 5 विजन स्टेटमेंट्स, 3 to 5 मिशन स्टेटमेंट्स, ताकि आपको एक डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए, राइट? सो एक तरफ तो हमारी पढ़ने की चीजें हो गई, बुक के एग्जाम्पल्स हो गई, और दूसरी तरफ आपके थोड़े से एफर्ट्स हो जाएंगे जिसके जरिए से ये चीजें और जबरदस्त हो जाएंगी. ऑलराइट, एंड यू विल बी एबल टू फॉर्म, टू मेक योर ओन विजन स्टेटमेंट्स एंड योर मिशन स्टेटमेंट्स. आप खुद भी विजन स्टेटमेंट्स और मिशन स्टेटमेंट्स बनाने के काबिल हो जाएंगे, राइट? सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग विजन स्टेटमेंट जिसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ था, नाउ वी मूव टूवर्ड द सेकेंड पार्ट, दैट इज मिशन. माई डियर स्टूडेंट्स, जहां विजन का ताल्लुक फ्यूचर से था, तो मिशन का ताल्लुक प्रेजेंट से है, राइट? मिशन स्टेटमेंट का ताल्लुक आपके प्रेजेंट से है, दैट आई हैव हाइलाइटेड ऑन द स्क्रीन. विजन का ताल्लुक फ्यूचर से है और मिशन का ताल्लुक प्रेजेंट से है. माय डियर स्टूडेंट्स, अ मिशन स्टेटमेंट और अ मिशन इज अ पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. बहुत ही काम की चीज, बहुत ही इफेक्टिव चीज, के पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मिशन स्टेटमेंट. मिशन का ताल्लुक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है किस मकसद के लिए बनाई है, क्या रीजन है इसके एग्जिस्टेंस का, राइट? सो दिस is called mission, right? Done, my dears. So आप ये अपने पास येलो कलर से हाईलाइट कर लीजिए इन तमाम इंपॉर्टेंट एरियाज को. So a mission is the purpose of an organization
And the reason for its existence, कि किसी organization के कायम करने का मकसद और reason of existence क्या है, purpose of किस काम के लिए बनाई है, उसका purpose क्या है, उसका reason of existence क्या है, that is called existence. और इसका ताल्लुक present से होता है. My dear students, mission statement basically defines what an organization is and why it exists, its reason for being, right? कि एक mission statement basically define करता है कि what is an organization and why it exists, its reason for being. कि ये जो vision statement आपका mission statement basically define करता है कि organization क्या है, किस चीज की है, क्यों exist करती है, इसको कायम करने का मकसद क्या है. You got it? So this is a mission statement. So जिस तरीके से मैं इन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं और साथ साथ सेव भी कर रहा हूं, आप अपने पास भी कर सकते हैं. और अगर बुक आपके पास है हार्ड कॉपी, और अगर हार्ड कॉपी बुक के अंदर आप साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करेंगे, तो आपके नोट्स ICAP की अपनी बुक में से बनते चले जाएंगे, जिसमें से आपके MCQs मैक्सिमम आते हैं. राइट? हम क्यों किसी थर्ड पार्टी, किसी और को फॉलो करें? हम क्यों ना उस पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी को फॉलो करें, ICAP को फॉलो करें, जो खुद एग्जामिनेशन बॉडी भी है और वो आपके एग्जामिनेशन बनाते भी हैं. हम उसमें से क्यों ना करें जहां से एग्जाम के पेपर बनते हैं, जिसमें से. राइट? सो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आपसे एक अच्छी सी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टॉप प्रायोरिटी अपनी बुक्स को दीजिए, प्लीज. राइट? अपनी बुक्स को दीजिए. बल्कि मेरी ये जो आपकी रिक्वेस्ट है मेरी आपके साथ, ये मेरी सिर्फ पीआरसी के लिए नहीं है, बल्कि आइंदा आने वाले वक्त में आपकी जो कैफ वगैरह आएगा, सीफैब आएगा, उन सब के लिए ये है कि प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड द रूल्स रेगुलेशन एंड एवरीथिंग एंड द बुक्स ऑफ ICAP. आप खुद ICAP को फॉलो कीजिए. राइट? इधर उधर आपकी तवज्जो गई तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. ठीक है? तो नंबर वन, ICAP को फॉलो कीजिए. जब ICAP से मुकम्मल तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाए और आप सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद आप बेशक दूसरे नंबर पे आप कोई सी बुक ले रहे हैं, उनके MCQs करते चले जाएं, लेकिन जो आपने स्टडी करनी है वो सारी की सारी इस बुक से करनी है. राइट? ये बहुत ही इफेक्टिव बुक्स डिजाइन हुई हुई है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. ओके. My dear students, Mintzberg, एक renowned academician और researcher गुजरा है management side का, यानी management का, और एक top class researcher and academician गुजरा है Mintzberg. उसने mission को इस तरह से describe किया है कि a mission describes, क्या करता है describe? A mission describe the organization's basic function in society. कि उस organization का basic function क्या है society के अंदर? In terms of products, कि वो क्या products बनाती है, क्या services produce करती है, क्या products produce करती है for its customers. Right? So definitely इसका ताल्लुक फिर प्रेजेंट से हुआ, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो अपने कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं वो अभी प्रेजेंट में बना रहे हैं. सो ये आपका मिशन स्टेटमेंट बेसिकली जो है, मिशन डिस्क्राइब करता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन अपनी सोसाइटी के लिए क्या है, इन टर्म्स ऑफ कि वो अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए क्या प्रोडक्ट्स या क्या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है. राइट? सो समटाइम्स इस तरह से, एज इट इज
चीजें एग्जाम में आ भी जाती हैं या उसके एक आध वर्ड गायब करके एमसीक्यूज बना दिए जाते हैं, इसलिए हम बुक में से हर एक चीज को देख रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वरना होता यह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो जब दूसरी बुक्स पे चले जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो क्या कहना चाहिए, इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग, कई लोग होते हैं वो हर चीज को नहीं लेके हर खास चीज को नहीं पढ़ रहे होते, बुक्स की लाइन के अंदर नहीं जा रहे होते, वो कुछ कुछ चीजें निकाल के ले आते हैं। अब एग्जाम के अंदर अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो कि उन राइटर्स की बुक्स के अंदर नहीं मौजूद है और आईकैप की बुक में मौजूद है, और आपने तैयारी कहीं किसी दूसरी तरफ से की है, किसी दूसरे बुक से की है, आईकैप की बुक से नहीं की, तो आप मिस कर जाएंगे उस इंपॉर्टेंट चीज को। इसलिए माई डियर स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको बिल्कुल इस पर समझौता नहीं करेंगे और आप इस बुक को फॉलो करेंगे, राइट? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई सेड अर्लियर कि अ मिशन स्टेटमेंट हैज मोर अबाउट द प्रेजेंट डे, वो प्रेजेंट डे को फोकस करते हैं कि प्रेजेंट डे में इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, राइट? सो अ मिशन स्टेटमेंट हैज अ मोर प्रेजेंट डे फोकस एंड रियली डिस्क्राइब्स हाउ अ कंपनी प्लान्स ऑन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कर रही है, क्या है ऑब्जेक्टिव्स, राइट? सो मिशन स्टेटमेंट बेसिकली इसका ताल्लुक ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके एम्प्लॉईज, आपके शेयर होल्डर्स, आपके वो तमाम लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के बारे में डायरेक्टली होता है कि उनके लिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि हमारा मिशन ये है कि हम ये प्रोड्यूस करें, ये सर्विसेज दें, तो सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, बल्कि सेम टाइम जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो एम्प्लॉयज जॉब कर रहे हैं, वो जो तमाम उसके शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम के लिए आपका बिजनेस क्या कर रहा है, ये मिशन स्टेटमेंट के जरिए से पता चल जाता है, राइट? सो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट एरिया दैट आई एम हाईलाइटिंग ऑन द स्क्रीन. This paragraph is also important. अच्छा, sometimes my dear students, ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज्यादा किसी टॉपिक को देख रहे होते हैं, डिटेल में जा रहे होते हैं, और बच्चे भी समझ रहे होते हैं कि यार ये इस टॉपिक पे कुछ ज्यादा टाइम लग गया है. अच्छा, और sometimes हम कहीं से निकल रहे होते हैं जल्दी से, ये बेसिकली एक आइडिया देता है आपको कि हम किसी टॉपिक को ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं. इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी जगह से क्विकली निकल गए हैं. इसका मतलब यह है कि एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी इसके यहाँ एक हल्की सी डिस्क्रिप्शन दी गई है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी. सो ये सब चीजें भी आपको क्लास में लेक्चर के दौरान अंदाजा होगा, और अगर मिस कर जाए तो यू मे लिसन द रिकॉर्डिंग्स, और उसके जरिए से भी आपको अंदाजा हो सकता है, राइट? लेकिन एक होता है कि सर मैं खुद पढ़ लूंगा, राइट? समटाइम ऐसा होता है, हमारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं, सर मैं आई एम एन ए लेवल स्टूडेंट, सर आई एम एन ओ लेवल स्टूडेंट, सर आई कैन डू इट, आई कैन रीड इट. माय डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग को मतलब एक रीड करना और एक समझ कर पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है, राइट? रीडिंग तो हमने बहुत सारी चीजों की हुई है, कितनी चीजें हमने याद रह जाती हैं, लेकिन अगर कोई चीज का कॉन्सेप्ट बन जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो आपके एग्जाम के एमसीक्यूज को क्वालिफाई करना, उसको अटेम्प्ट करना इजी हो जाता है, राइट? और सिर्फ रीडिंग करने से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई आप पढ़ जाते हैं, राइट? या उन पैराग्राफ्स के पीछे जो उसकी जो उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है, या उसकी जो बेसिक्स क्या है उस पैराग्राफ की, या उसकी नॉलेज क्या है पीछे, वो आपको आमतौर से लेक्चर्स में ही क्लियर होती है. ऑलराइट, ओके. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स दिस पार्ट.
Here it is. My dear students, a mission statement should be clear and short. The key question to answer in a mission statement are, number one, mission ke zariye se pata chalta hai ki aapka business kya hai. Number two, aap apne customers ko value kya dete hain, unki kya ahmiyat hai aapke liye. Number three, what will our business be? And number four, what should our business be? Right? Ab isme se jo important area hai wo shuru ke do hisse to bahut important hai mission ke liye. Ke what is our business and what value we are giving to our customers. Baki what will our business be? Hamara business kaisa ho sakta hai? What should our business be? Ka taluk thoda bahut future se bhi hai, jo somehow aapke vision se bhi chhalakta hai. Right? Wo aapke vision se bhi chhalakta hai. Uska aapke vision se bhi pata chalta hai. Isliye hum log aam taur se apne jo mission statement hai, uske andar hum in dono ko zyada core importance dete hain. Right? Core importance, basic importance hum in do cheezon ko dete hain. Right? Okay. Kyunki jahan pe mission aur vision statement dono tasavvur kiye ja rahe ho, to wahan pe fir hum mission ke andar what is our business and what is our value to the customer ko discuss karte hain. Lekin yaad rakhiye ki jaisa ki humne vision statement mein padha tha ki your vision statement must be short, simple, specific, business oriented and realistic ho. So similar aapka jo mission statement hai wo bhi short or clear statement hona chahiye. Right? Aaiye dekhte hain, kuch examples lete hain inki. Habib Bank Limited, HBL, ka mission statement hai. To make our customer prosper, our staff excel and create value for shareholders. Right? So, inhone apne tamam stakeholders ko isme diya hai. Yani inhone apne present ke baare mein bataya hai ki hum chahte hain kya ki apne jo bhi hamara customer hai, wo hamara customer prosper ho, tarakki kare, aur hamara staff bhi excel kare, tarakki kare. Or and create value for shareholders. Or hum apne shareholders ko jinhone investment ki hui hai, unko bhi unke liye bhi hum value create karna chahte hain. Yani unke bhi hum profit maximization ke liye kaam karte hain. Right? So to make our customer prosper. Yani Habib Bank kya karta hai? Apne customers ko prosper karta hai, tarakki deta hai. Apne staff ko bhi excel karta hai, tarakki deta hai. And create value for shareholders, or those shareholders hain unko bhi value deta hai taaki wo bhi tarakki kar sakein. Right? So ye ho gaya Habib Bank. Ab agar hum dekhte hain again Coca-Cola. So Coca-Cola again ye Jewish jo firm hai ye phir logon ko ghuma rahi hai ek lambe se statements ke andar jo ke yahan se shuru ho gaya yahan tak aa raha hai. So isliye maine aapse request ki कि अगर आप एक और एक तो मैंने आपको HBL का दिखाया एक छोटा सा understandable उसके साथ साथ एक लंबे लंबे भी mission और vision statement दिखाया Coca-Cola के. Reason ये है कि आप खुद पढ़ के इसको understand करने की कोशिश कीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा simple है, easy है, short है, familiar है और clear है और business oriented है और realistic है. Right? तो इससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो vision statement और mission statement कैसा होना चाहिए. Right? बस ज़हन में रख लीजिए दोनों चीजें. मैं conclude यहां करने लगा हूं कि आपका vision statement हो या mission statement हो, it must be short, simple, specific to the business and realistic.
ये तो विजन मिशन मिशन स्टेटमेंट के लिए दोनों चीजों के लिए कॉमन हो गया ये, लेकिन अब डिफरेंस अगर करना है तो ये करना है कि मिशन स्टेटमेंट का ताल्लुक प्रेजेंट से है कि हम अपने प्रेजेंट के अंदर अपने लोगों के साथ के लिए क्या कर रहे हैं, जबकि विजन का ताल्लुक आपके फ्यूचर से है कि हम फ्यूचर में अपने स्टेक होल्डर्स के लिए क्या करना चाहते हैं या अपना बिजनेस कहां देख रहे हैं। इज दिस ओके? यू ऑल अंडरस्टूड माय डियर्स? I need your feedback, a quick feedback, please, on the meeting chat. Be quick, hurry up. Yeah, Anam, you're right. Vision statement is related to the future and mission related to the present. Right? बाकी ये कि इन दोनों को विजन स्टेटमेंट को मिशन स्टेटमेंट को शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक टू द बिजनेस होना चाहिए एंड रियलिस्टिक होना चाहिए. Right? All right, my dears. That's great. I've asked about the feedback and Prem Raj has given feedback. He said that, sir, basically whatever you teach us is automatically get into our minds without our consent. Oh, Zabardast. All right. Okay. So, apne interesting jo comments aate hain. तो हम फिर हम भी खुश हो जाते हैं कि चलें ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सुन रहे हैं वॉट से, तो मुझे ये कहना नहीं पड़ेगा फिर जाते रहना भाइयों, राइट? ये लेक्चर देते हुए कहना पड़ेगा मुझे जाते रहना भाइयों, सो तो नहीं गए कहीं, बिकॉज आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? आई एम थ्रू जूम आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर्स, ऑलराइट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे. थोड़ा सा हल्का फुल्का ह्यूमर भी होना चाहिए क्लास में, ताकि क्लास जो है वो बिल्कुल कोई ऐसी लेक्चर वाली क्लास बोरिंग सी ना लगे, इंटरेस्ट क्रिएट हो, मजा आए. हाँ, मुझे कहे स्टूडेंट क्लास में कि सर हाँ हाँ सर मजो आयो, सर मजो आयो, डैडो मजो आयो, राइट? सर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सर. ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको कुछ और चीजें भी दिखाते हैं. अब आपके सामने स्क्रीन पे वर्ल्ड बैंक का मिशन स्टेटमेंट मौजूद है. आवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, राइट? वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, मिशन स्टेटमेंट क्या है? आवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी. हम चाहते हैं कि दुनिया जो है वो गुर्बत के बगैर हो, गुर्बत दूर हो जाए, ठीक है? इसके अलावा क्या कहते हैं? To fight poverty with passion, right? And professionalism for lasting results. फिर क्या कहते हैं? To help poor people help themselves and the environment. My dear students, अगर ये सब चीजें करेक्ट हो तो दुनिया में ये भूख और प्यास और ये जंगे ना हो. आज फलस्तीन तड़प रहा है, खून आलूद है, right? आज कहां है वर्ल्ड बैंक, कहां है IMF, कहां है दुनिया की वो कुवतें जो बड़ा रोना रोती हैं इंसानी हमदर्दी का, ह्यूमैनिटी का? आज उन्हें कोई नजर नहीं आता, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया के वो तमाम कंट्रीज पूरी दुनिया के जहां ह्यूमैनिटी को अब्यूज किया जा रहा है, वो सब उनके लिए ये वर्ल्ड बैंक IMF कहां है? अगर ऐसा ही होता जैसे कि उनका मिशन स्टेटमेंट है, ये रियलिस्टिक होता अगर, तो दुनिया से वाकई गुर्बत दूर करने पे बड़े काम हो जाते, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल, क्योंकि आज हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां भूख और प्यास है, उनके जो ड्रीम है वो ड्रीम की हद तक ही है, वो ड्रीम्स में ही मौजूद हैं स्टिल, वर्ल्ड बैंक वाले, IMF वाले, और दुनिया के जो अरबाब इख्तियार हैं वो जस्ट ड्रीम ही देखते हैं और ड्रीम में ही रहना चाहते हैं, राइट? होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, ये जो दुनिया भर में जो तमाशा लगा हुआ है वहां वाकई ये सिर्फ ड्रीम देखते हैं, रियलिस्टिक वे में काम नहीं करते.
सो ये किताबी बातें हैं, किताबों की हद तक इनके मिशन स्टेटमेंट्स हैं, किताबों की हद तक विजन स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर दे दिए हैं, ये किताबों में आ गए हैं, इनको हम रियलिस्टिक वे में नहीं कह सकते। जो कि विजन और मिशन स्टेटमेंट की जो बेसिक्स हैं, वो जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, क्या आपका विजन स्टेटमेंट, आपका मिशन स्टेटमेंट शॉर्ट हो, सिंपल हो, स्पेसिफिक टू द बिजनेस हो और रियलिस्टिक हो, लोग उसको पढ़ के कॉमिकल यानी मजाक ना बनाएं, तो यहां मजाक बन रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें किताबी होती हैं, रियलिस्टिक नहीं होती हैं। जब आप किताबों में बहुत सारी चीजें पढ़ के अपनी रियलिस्टिक रियल फील्ड में जाते हैं, एक्चुअल फील्ड में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट नजर आनी शुरू हो जाती हैं, राइट? फिर आप कहते हैं कि सर थ्योरी और प्रैक्टिकल में तो जमीन आसमान का फर्क चल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए इन किताबों को भी पढ़ना है, ये भी जरूरी है, यू गॉट इट? और हमने रियलिस्टिक को भी देखना है कि जनाब दुनिया में क्या हो रहा है, कि वर्ल्ड बैंक अगर कह रहा है, ये कोका कोला जो कह रहा है, क्या वो रियलिस्टिक है या सिर्फ वो लफाजी से घुमा रहे हैं आपको और हमें? So, मुझे तो ये कॉमिकल ही लग रहा है, रियलिस्टिक नहीं लग रहा। कॉमिकल का मतलब ये है कि मजाक, जोक, जो कि हमने पढ़ा था पीछे कि कॉमिकल नहीं होने चाहिए, ये रियलिस्टिक होने चाहिए ये सब। ऑलराइट, ओके जी, आगे चलते हैं माय डियर्स। तो जिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं या आपको बता रहा हूं, उनको आपने गौर से देखना है। ऐसा नहीं आएगा एग्जाम के अंदर कि वर्ल्ड बैंक का जो है वो मिशन स्टेटमेंट क्या है, इतना लंबा मिशन स्टेटमेंट आपसे नहीं लिखवाएंगे एग्जाम में, राइट? या कोका कोला का स्टेटमेंट क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है, वो आपसे विजन और मिशन की डेफिनेशन को उसके ऊपर एमसीक्यूज बना सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिया था, लेकिन एग्जाम्पल के लिहाज से भी ये फिट इन नहीं है। हाँ, पहला HBL वाला किसी हद तक सही है, और बाकी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरनेट पे जाइए और कम से कम 3 to 5 विजन स्टेटमेंट्स और 3 to 5 मिशन स्टेटमेंट्स को आप डिस्कवर कीजिए, वहां से तलाश कीजिए और अपने ग्रुप पे सेंड कीजिए, ताकि सबको अंदाजा हो कि काम हो रहा है और ये स्टूडेंट्स लगे हुए हैं काम में, ठीक है? लेकिन पहले उसको आप बना लीजिए और उसके बाद आप एक ही पेज पे बना के प्रेजेंट कीजिएगा, राइट? हर एक के नाम के साथ, ऑलराइट? ऐसे नहीं कीजिएगा कि एक 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 स्टेटमेंट लिखा प्रेजेंट कर दिया, जैसे कि कोई चैटिंग चल रही हो व्हाट्सएप पे, ठीक है? पूरा बना के, पूरा पेज तैयार करके फिर भेज दिया, ऑलराइट? My dear students, for the sake of motivation, I am saying you, मैं आपके लिए motivation के लिए कह रहा हूं कि जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में मेहनत करनी होती है। वो लोग जो अपने नौजवानी के हिस्से में मेहनत कर लेते हैं पढ़ाई के अंदर, इनकी मुकम्मल जवानी, आने वाला वक्त और इनका बढ़ापा और इनकी आने वाली नस्लें ऐश करती हैं और ये बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन अगर जिंदगी के इस हिस्से में जो आपके अभी के 3-4 साल हैं, इसमें आपने मेहनत नहीं की, तो हो सकता है कि आइंदा आने वाला वक्त आपका भी टफ हो और बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़े आपको, और इतने उतनी आपको सैलरीज ना मिल सकें, लेस क्वालिफिकेशन की वजह से, क्वालिफिकेशन कम होने की वजह से आप ऊंची पोजिशन पर ना जा सकें या आप तरक्की ना कर सकें, और साथ साथ आपकी आने वाली नस्लें भी उससे डिस्टर्ब होंगी। क्यों? कि जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप ज्यादा अच्छे तरीके से वेल सेटल नहीं होंगे, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी डिस्टर्बेंस का सामना करना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अब आप पर डिपेंड करता है कि कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं, राइट? तो ये आपकी अभी ये जो वक्त है ये उठती जवानियों का है। आप जोश में है, उमंग में है, तरंग में है, आप जज्बे में है, एंथुजियास्टिक है, अब आप कर सकते हैं ये सारी चीजें अचीव। So, इसलिए हम आपको ये जोश जज्बा जुनून आपको दिलाते रहते हैं कि आप इसके जरिए से कहीं आपकी अगर बैटरी चार्ज हो जाती है और आप चल पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह ताला न सिर्फ आप बल्कि आपका पूरा घराना शाद और आबाद हो जाएगा, राइट? और खूब तरक्की कर सकेंगे, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रीम बिग, दैट
One day you will be a chartered accountant and you will be at somewhere at very prominent place, kisi numaya jagah pe inshallah kisi din baithe hue honge, kisi badi position pe. All right, so my dear students, ye jo jazba hai junoon hai agar aapne paida kar liya apne aap ke andar, to yakeen kijiye is age ke andar aap bahut kuch achievements kar sakte hain. So hamari aapke liye duaein bhi hain, hamari kaavishain koshishain bhi hain ki hum apne is mulk ke pyare pyare jo bacche hain, students hain hamare, in sab ke liye kuch kar saken, inko apne paon pe khada kar saken, aur ye kal ko wo zabardast kism ka literate kism ki hamari nation ban sake, jo ke is mulk ko waqai sambhal sakne ke qabil ho, na ke kuch aisi qaum jis ke hamare apne mulk is waqt jis track se guzar raha hai, ya jis condition se guzar raha hai, ya jis situation ke andar hum log giraftar hain pichle koi 70-75 saalon se, ki hum apne paon pe nahi khade ho pa rahe, kyunki hamare arbab ikhtiyar basically wo utne padhe likhe nahi hote jo ke powers mein aa jate hain. जब आप जैसे लोग पावर्स में आएंगे, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मुल्क चेंज आएगी और रियल चेंज आएगी. फिर हमें पढ़े लिखे मुआशरे की जरूरत है, काबिल टैलेंटेड प्रोफेशनल मुआशरे की जरूरत है, एक अच्छे मुआशरे की जरूरत है जो कि आप अच्छी तालीम के जरिए से हासिल कर सकते हैं. राइट, इंशाल्लाह द डे कम यू विल अकम्प्लिश नॉट ओनली योर ड्रीम्स but you will also perform something good for your home country, for your country, inshallah. All right. My dear students, mission statement ke bahut sare different purposes hote hain. There are different purposes of mission statement. Mission statement ke different purposes hote hain. Right? Basically, mission statement ke zariye se hum kya karte hain? To provide a basis for consistent strategic planning and decisions. हम मिशन के जरिए से अपने इदारे की एक तरह की प्लानिंग के बारे में बता रहे होते हैं, या अपने बारे में बता रहे होते हैं कि हम क्या हैं. हमारी ब्रॉड इंटेंशंस होती हैं इसके अंदर. हम वसी मानों में अपनी इंटेंशंस, अपने चीजें बता रहे होते हैं. और इसके अलावा हम पर्पस या ऑब्जेक्टिव, यानी हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या हैं या पर्पस क्या हैं, हम उनको बता रहे होते हैं. राइट, इसके अलावा थ्रू द मिशन स्टेटमेंट वी प्रोवाइड अ कॉमन पर्पसेस फॉर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वो कौन कौन लोग हैं? वो एम्प्लॉयज भी हैं, वो सप्लायर्स भी हैं, वो कस्टमर्स भी हैं, वो शेयर होल्डर्स भी हैं. ये तमाम लोग जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उन सबके बारे में एक तरह का पता चल रहा होता है, यानी कि इनडायरेक्टली वे में तमाम स्टेक होल्डर के बारे में कि हम क्या करना चाहते हैं, वो इनडायरेक्टली वे में हमारे मिशन स्टेटमेंट से पता चल रहा होता है. राइट, अगर हम डायरेक्टली वे में उनका नाम ना भी लें, लेकिन मिशन स्टेटमेंट के जरिए से हमारा एक ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन पता चल रहा होता है, और उसके जरिए से हमें ये पता चलता है कि जनाब आप अपने कस्टमर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने इन्वेस्टर्स, अपने सप्लायर्स, उन सब के बारे में कैसा सोचते हैं. ये मिशन स्टेटमेंट से ही पता चलता है. माय डियर स्टूडेंट्स, खासा डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू डिफ्रेंशिएट इट. अब मैं विजन और मिशन को डिफ्रेंशिएट करता हूं. वैसे तो क्लियर हो गया है आपका, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा मजीद इसका जो जिस्ट है वहां लेके चलता हूं. माय डियर स्टूडेंट्स, अ मिशन स्टेटमेंट इज वेयर यू आर एंड वेयर यू आर एंड व्हाई यू डू इट. मिशन स्टेटमेंट क्या है कि इस वक्त आप कहां हैं, where you are and why you do it, aur aap kyun ye kaam kar rahe hain. This is mission statement that link with the present. Aur vision statement kya hai? Vision statement kya hai? I have highlighted on the screen. A vision statement says ki where you are going to be, where you are going to be in future, and how you want
and how you want to get there. आप फ्यूचर में अपने आप को कहां देखते हैं और कैसे पहुंचेंगे वहां? आप फ्यूचर में अपने आप को कहां देखते हैं और कैसे पहुंचेंगे वहां? So that is basically vision statement. All right. So my dear students, mission related to the present, yani our mission statement tells ki where you are in the present right now and why you doing this business, why you do this business. This is mission statement. Or vision statement kya hai? Mission statement ki where you are going to be in future and how you want to get there. आप फ्यूचर में अपने आप को कहां देख रहे हैं और वहां पहुंचेंगे कैसे, ये फ्यूचर से ताल्लुक रखता है. सो दिस इज द मेन डिफरेंशिएशन बिटवीन द मिशन स्टेटमेंट एंड द मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट एंड द मिशन स्टेटमेंट. बस एक चीज ध्यान में रख लीजिए जो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया आज की क्लास के अंदर, कि जनाब हमेशा के लिए सोच लीजिए कि आपका विजन स्टेटमेंट हो या मिशन स्टेटमेंट हो, ये दोनों शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, स्पेसिफिक टू द बिजनेस होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए. ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसको आप कॉमिकल कहें, जोक बने, मजाक बने, वो रियलिस्टिक होने चाहिए. ये दोनों में ये चीजें कॉमन है. तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि आपका जो मिशन स्टेटमेंट है उसका ताल्लुक प्रेजेंट से है. आपके स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट के बारे में बात होगी कि जनाब वेयर यू आर, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं और ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, और प्रेजेंट से ताल्लुक है. जबकि फ्यूचर के लिए आप विजन स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसमें आप ये बताएंगे कि वेयर यू आर गोइंग टू बी, फ्यूचर में अपने आप को कहां देख रहे हैं एंड हाउ यू get there, आप कैसे वहां पे पहुंचेंगे. So ये फिर ये एक डिफरेंस हुआ मिशन और विजन स्टेटमेंट का. आई होप कि अब इसकी पूरी साइंस जो कि 2-3 पेजेस पे दी हुई है यहां, उसका मेन जिस्ट, उसका मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. आई होप सो माई डियर स्टूडेंट. इसीलिए मैं कहता हूं कि किताबें पढ़ते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, पेपर क्लियर नहीं होगा. क्योंकि बुक की लाइनों में से ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं एग्जाम के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं. उनके कॉन्सेप्ट्स जिनके स्टूडेंट से क्लियर होते हैं वो फॉरन क्विकली समझ जाते हैं. अगर इसी के ऊपर कोई सिनेरियो बना के दे दें, कोई 2-3 लाइन का सिनेरियो आपको बना के दे देते हैं अगर आपको आईकैप के एग्जाम के अंदर, और आप सब पूछते हैं कि क्या ये विजन के बारे में बात हो रही है इसकी या मिशन के बारे में बात हो रही है, तो आप फौरन से समझ जाएंगे कि जहां देखेंगे कि यार एक तो ये जो है वो बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए इसकी, कि शॉर्ट हो, सिंपल हो, स्पेसिफिक हो, बिजनेस ओरिएंटेड हो, रियलिस्टिक हो, और दूसरा ये क्या ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ये आंखें बंद करके मिशन स्टेटमेंट है, और अगर ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है तो फिर ये विजन स्टेटमेंट की बात कर रहा है. सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन माय डियर स्टूडेंट्स. आइए चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं. My dear students, in continuation of our topic, thank you very much, all my dears. Those are saying that she crystal clear hai, and you just nailed it. Thank you very much. God bless you all, Khatak and all Anam and all those, and M2, Maria. Okay. So thank you for your feedback. My dear students, Twitter का mission statement है. Twitter का mission statement जो है वो 3 हिस्सों में divide हुआ हुआ है, right? Twitter को आप X कहते हैं. क्या कहते हैं? X. आपको पता होगा. Right. So X company का जो एक जबरदस्त किस्म का social media के दुनिया के अंदर top names में आता है, ठीक है, तो ट्विटर यानी एक्स कमिशन स्टेटमेंट हैज 3 पार्ट्स. उसके 3 पार्ट्स हैं. उसने अपने मिशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. कौन कौन से? यानी पर्पस, वैल्यू एंड एक्शन, राइट. सो असल में तो जो मिशन होता है वो पर्पस होता है. पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है वो तो ये हो गया,
दिस वन, ये असल में तो दिस गोइंग ऑन, असल में तो ये लाइन जो है ये मिशन स्टेटमेंट बेसिकली पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस बता रही है ट्विटर का. इसको आप मिशन कहें, पर्पस कहें, राइट? ये जो यहां लिखा हुआ है ना, पर्पस, हियर इट इज. ये असल में जो मिशन है ये पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ही है जो ये दिया हुआ है. क्या है पर्पस इसका? गिव एवरीवन द पावर टू क्रिएट and share the ideas and information instantly, yani quickly, without barriers, bagair kisi rukawat ke, quickly. Agar koi aap create karna chahte hain, share karna chahte hain apni idea ya information ko dusre ko send karna chahte hain, to X ka ye mission hai ki hum is qabil bana saken logon ko, wo platform de saken ki aap koi bhi without any barrier quickly apne khayalat ko, apne ideas ko create kar saken aur dusron ko pahuncha saken. Ye hai mission statement Twitter ka, yani unka mission statement kya hai ya unka purpose kya hai, right? इसके साथ उन्होंने उसकी वैल्यूज भी दी हुई हैं, अटैच की हैं, स्ट्रेटजी भी दी है, लेकिन असल पर्पस हम अगर देखते हैं तो जो क्लियर सा है वो वन लाइन में गिवन है. अब वैल्यूज के अंदर ये मजीद चीजें बता रहे हैं क्या वैल्यूज के. वी बिलीव इन फ्री एक्सप्रेशन एंड थिंक एवरी वॉइस हैज द पावर ऑफ इंपैक्ट द वर्ल्ड. स्ट्रेटजी दे रहे हैं आगे की, वो भी लंबी सी है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम ऑनेस्टी देखें तो एक्स कंपनी का यानी ट्विटर का जो असल में जो इनका जो मिशन स्टेटमेंट है वो इनका मिशन जो है पहली ही लाइन में दिया हुआ है, बाकी सेकेंडरी चीजें जिसको सपोर्टिव है. सो ये एक शॉर्ट अंडरस्टैंडेबल कॉन्वर्सेशनल रियलिस्टिक स्पेसिफिक टू द बिजनेस सिंपल शॉर्ट है, नजर आ रहा है कि हाँ ये फिट इन है, राइट? ये फिट है बिल्कुल जो मिशन स्टेटमेंट दिया हुआ है वन लाइन वाला, दिस इज ट्रू. बाकी जो है उसके अंदर सेकेंडरी चीजें हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन तो दे रही हैं, लेकिन वो मिशन को मतलब स्टेटमेंट का हम उसको मतलब डिटेल्स कह सकते हैं, लेकिन बेसिक स्टेटमेंट जो है वो पहली लाइन में दिया हुआ है. ऑलराइट, ओके. ऑलराइट, आफाक हुसैन जोकियो, यू राइट, टू मेक ओनली एलन मस्क मूड हैप्पी एंड रेडी टू एक्सेप्ट अडेप्टेबिलिटी. ऑलराइट, ट्विटर मिशन स्टेटमेंट दिया है आफाक ने, टू मेक ओनली एलन मस्क मूड हैप्पी एंड रेडी टू एक्सेप्ट अडेप्टेबिलिटी. तो हमारे साथ जो है वो ऐसे क्रिएटिव और अच्छी स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ उसको न सिर्फ पढ़ रहे होते हैं बल्कि एनालाइज भी कर रहे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं अपनी चीजों को. यस, यू आर राइट मारिया, कि देखें वो कहते हैं कि जी उनका मिशन स्टेटमेंट है कि दे से के दैट देयर मिशन इज टू गिव एवरीवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट दे डोंट सीम टू डू इट. See whatever is going on in Palestine. So have they given the freedom of writing, freedom of expression to those people? Unka aapne sara network card diye hain unko, unki pictures, unki jo communication hai wo aap world ke saath nahi hone de rahe, right? So hai kawakib kuch nazar aate hain kuch, hai kawakib kuch nazar aate hain kuch, देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला, देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला. सो ये बाजीगर हैं, राइट? ये बाजीगर हैं, ये जादूगर हैं, ये धोखा देते हैं लोगों को अल्फाजों में घुमाकर, राइट? सो वट एवर वी लाइक वट दे से इन द वर्ड्स आर डिफरेंट, बट वट दे आर डूइंग इन द कॉल और फेल में तजाद है. We can't believe in, हम उनसे बिलीव नहीं कर सकते, राइट? ये जो पैलेस्टाइन के अंदर जेनोसाइड चल रहा है, दिस इज लाइक टेरिबल. मुस्लिम्स ने तो उनका टेरिबल जेनोसाइड नहीं किया था, वो तो हिटलर ने किया था, राइट? जाके जर्मनी से बदला लें जिन्होंने निकाल दिया था
और पूरे सबको मारने के बाद उसने फिर कहा कि मैं कुछ लोगों को, कुछ हजार लोग सिर्फ छोड़ रहा हूं, ताकि आने वाला वक्त ये देख सके और उनको प्रूफ मिले कि हिटलर ने क्यों इतना मारे थे यहूदी, राइट? उसने उस वक्त ये क्लियर कहा था कि मैंने जो इतने यहूदी मार दिए हैं उसमें से कुछ मैं सिर्फ छोड़ रहा हूं, इसलिए कि दुनिया को पता चल सके कि हिटलर ने ख्वा मख्वा इनको नहीं मारा था, कोई रीजन था, ऐसे नहीं निकाला था वहां से इनको, कोई रीजन था, राइट? सो वो आज मुस्लिम्स से बदले ले रहे हैं और मुस्लिम्स की जगहों पे कब्जा कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली टेरिबल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स के पास भी इतनी स्टडी नहीं है, ना ही वो स्टडी करना चाहते हैं। हमारे यंगस्टर्स तो पाकिस्तान स्टडी नहीं करना चाहते, पाकिस्तान स्टडी के अंदर जो हमारी कहीं जो कुर्बानियां हैं हमारे लाइक एंसेस्टर्स की, आबाओ अजदाद की, या उन लोगों की जिन्होंने अपनी जाने शहादतें हुई इस मुल्क को हासिल करने के लिए, चाहे वो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के अंदर हो या वो जो पाकिस्तान का पार्ट कट गया इवन, या वो जो इंडिया से पाकिस्तान आए थे, या इवन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी बहुत से लोग जो है वो उस जमाने में सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारे लोगों का जो है वो शहादतें हुई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम तो अपने पाकिस्तान स्टडीज को नहीं पढ़ना चाहते, तो हम कहां से जो है वो पैलेस्टाइन की हिस्ट्री को पढ़ना चाहेंगे कि इन बेचारों के साथ इतनी जुल्म क्यों हो रहा है। हम तो एहसासात से आरी कौम हो गए हैं, वी डोंट हैव इवन सेंसेस, हम सेंस ही नहीं कर पा रहे उन लोगों के बारे में। यहां आप तो एजुकेशन भी ले रहे हैं, आप जॉब्स भी कर रहे हैं, आप अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, आप यहाँ क्रिकेट का वर्ल्ड कप देख रहे हैं, आप सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन क्या हम इतना फील नहीं कर सकते कि उन घरों के अंदर पूरे पूरे खानदान उस बम्बार्डमेंट के अंदर पूरे पूरे बिल्डिंग्स के नीचे दब गए और खत्म हो गए, राइट? या किसी खानदान का कोई माँ जिंदा है तो बाकी खत्म हो गए, किसी खानदान का बाप जिंदा है तो बाकी सब खत्म हो गए, किसी खानदान का कोई बच्चे रह गए, एक या दो बच्चे रह गए जख्मी और बाकी सब खत्म हो गए। आप सोचिए क्या कसम कुर्सी है, क्या लाइक दुनिया की इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है ये, राइट? सो हमें अपने तौर पे जो कर सकते हैं, जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है सदक़े की, खैरात की, या उनके नाम से जो फौत हो गए हैं, या कोई भी, या आप उनके लिए कोई इमदाद का रियल कोई जगह नजर आया आपको, तो आप उनके लिए काम कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह से गिड़गिड़ा की दुआएं कीजिए, ए अल्लाह रहम फरमाइए हमारे भाइयों पे, ए अल्लाह उन पर करम कीजिए, वो बहुत मुश्किल में है। हम तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह सब पे करम फरमाइए, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो, किसी के साथ जुल्म नहीं हो। अगर कोई मुसलमान भी जुल्म करता है किसी जगह पे, दैट इज रॉन्ग, वी कांट से कि वो राइट है। हमें नहीं, हमें बिल्कुल ऐसे ही सोचना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए दुआएं करें, कम से कम आप दुआ तो कर सकते हैं, राइट? All right, my dear students, moving further, बहुत डिटेल में विजन एंड मिशन हमने पढ़ा है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की जानिब, राइट? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की जानिब चलते हैं, इसके बाद हम थोड़ा ये टॉपिक कवर करके फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कवर कर सकें। Yes, Rida, you are right. At least we can boycott the products and services that providing by these Jewish companies, right? Jaise Unilever wale hain, Jewish firm hai, aur bahut sari companies hai sari, hum unko boycott kar sakte hain. Aur abhi bahut sari Muslim countries se boycott chal raha hai. Inki halat patli ho gayi hai waise. So aap apne taur pe ye to kar sakte hain, lekin hamare to aise senseless log hain. वो अभी भी मैकडोनल्ड जाने वाले मैकडोनल्ड ही जाके खा रहे हैं, केएफसी जाने वाले केएफसी जा रहे हैं, उनके उसके बगैर उनको टेस्ट ही नहीं आता कहीं पे, चाहे वो कुछ भी खिला दें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको देखना है, आपको फील करना है। माय डियर स्टूडेंट, जो लोग, जो कौमें इन चीजों की फीलिंग रखती हैं तो अल्लाह ताला के करम हो जाते हैं उन पर, वरना बाज़ औक़ात माय डियर स्टूडेंट्स ये पहिया उल्टा भी चल सकता है।
आज जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, खुदा ना खास्ता जैसे इराक पे अटैक किया अमेरिका ने, जैसे ईरान पे अटैक किया और जैसे कुवैत पे हुआ, जैसे अफगानिस्तान पे हुआ, जैसे फलस्तीन पे हुआ, जैसे सीरिया वगैरह पे, जैसे और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हुआ, माय डियर स्टूडेंट्स पाकिस्तान पे भी तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से महफूज रहने की दुआ किया करें और उनके लिए भी बेहतरी की दुआ किया करें, क्योंकि जब हम बेहिस हो जाते हैं तो फिर वो बलाएं, वो अजाब मुसल्लत कर दिए जाते हैं उन बेहिस लोगों के लिए, राइट। इसलिए अल्लाह से बेहतरी की दुआ किया करें। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आइए, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग and getting the concept, understanding the concept between vision and mission, now we move towards goals and objectives. Ki goals or objectives kya hain? My dear students, there is a common confusion we have found in the world. Humne ye confusion puri duniya mein dekhi hai. Kya? Ki goals or objective ko wo similar, synonym treat karte hain. Right? They say ki dono both are same. जबकि ऐसा नहीं है, राइट ये एक कंफ्यूजन है कि लोग दोनों को, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सिमिलर लेते हैं। आइए देखते हैं कि इनके इनके डिफरेंस क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, गोल्स आर एम्स फॉर द एंटिटी टू अचीव। गोल्स वो होते हैं जो कोई कंपनी या कोई एंटिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। ये उसकी नैरेटिव टर्म्स होती हैं, गोल्स को लिखा जाता है, राइट उसको नरेट किया जाता है, बयान किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, गोल्स आर ब्रॉडर इंटेंशंस, राइट। मैं फिर रिपीट करता हूं, गोल्स और एम्स ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एंटिटीज की वो चीज होती है जो वो अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, और इसको वो नैरेटिव टर्म्स में लिखते हैं। अपने गोल्स को आप लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, बयान करते हैं, इसमें ब्रॉडर इंटेंशंस नजर आती हैं, राइट। वसी वसी स्पेक्ट्रम पे, वसी नजरी में देखा जाता है इसको, गोल्स को, कि आपके गोल्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है कि वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, उसकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, राइट। और ये भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी लाइक वर्ल्ड की लीडिंग बिजनेस एंटिटी बनना चाहती है, राइट। तो ये क्या है, ये उसका गोल है, उसका एम है। गोल्स एम होती हैं, यानी कोई कंपनी जो है उसका एम क्या है, वो क्या चाहती है, वो नैरेटिव टर्म्स में नोट किया जाता है, ये ब्रॉडर इंटेंशंस में होते हैं, राइट। आइए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्स। ऑब्जेक्टिव गोल्स में से ही ड्राइव किए जाते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव्स गोल में से ड्राइव किए जाते हैं, गोल्स में से निकाले जाते हैं। कैसे? ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव फ्रॉम द गोल्स ऑफ एन एंटिटी, राइट। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दीज कैन बी मेजर्ड, इनको आप, ये मेजरेबल होते हैं, इनकी आप पैमाइश कर सकते हैं, इनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, कि कोई चीज अचीव करनी है तो कितनी करनी है, प्रोडक्शन देनी है तो कितनी करनी है, राइट। आप उनको क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड देयर शुड बी अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि जनाब आप अपने ऑब्जेक्टिव को कितने अरसे में, कितने टाइम पीरियड में अचीव करना चाहते हैं। सो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ कि गोल्स जो हैं ब्रॉडर इंटेंशंस में होते हैं, ये मेजरेबल नहीं होते, इनका टाइम पीरियड नहीं होता, ये सिर्फ आपका एम होते हैं, आपकी ख्वाहिश बता रहे होते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। यू गॉट इट? तो गोल्स आर नॉट मेजरेबल, गोल्स हासिल करने का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, गोल्स आर जस्ट एम्स कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई शख्स क्या करना चाहता है, राइट। जबकि ऑब्जेक्टिव जो है वो गोल्स में से ही ड्राइव किए जाते हैं, उसी में से ही ढूंढे जाते हैं, कि जब ये पता चल जाए कि कोई चीज कितने अरसे में हासिल करनी है और कितनी हासिल करनी है,
यानी वो जो चीज जो काम करना चाहते हैं वो मेजरेबल क्वांटिटी में बताएं. नंबर टू, उसका टाइम पीरियड बताएं कि कितने अर्से में अचीव करना है, तो फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई किसी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा स्टेटमेंट नजर आए जिसके अंदर से उसका एम नजर आ रहा हो, ब्रॉडर इंटेंशन में बात की जा रही हो कि जी हम ये चाहते हैं, तो फिर तो ये गोल हुआ. लेकिन अगर उसके अंदर ये बताया जाए कि जनाब हम कितने अर्से में, और यानी हम एक तो मेजरेबल उसकी कुछ चीज नजर आ रही हो, मेजरमेंट क्वांटिफाई हो रहा हो डेटा के, क्या करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में हम कितनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कितनी करना चाहते हैं, इस साल कितनी अर्निंग करना चाहते हैं, उसको मेजर करके स्टेटमेंट दे रहे हो, नंबर्स यूज कर रहे हो, वो हो, और फिर कितने पीरियड में करना चाहते हैं, ये दो चीजें मौजूद हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि गोल्स आर ब्रॉडर, राइट, गोल्स आर एम ओरिएंटेड, कि एम क्या है उनको मेजर नहीं कर सकते, उनका टाइम पीरियड नहीं होता, जबकि ऑब्जेक्टिव्स आर मेजरेबल, ऑब्जेक्टिव्स आर टाइम ओरिएंटेड. यू गॉट इट? डन? इज दिस क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ मुश्किल नहीं है अगर है आपका साथ मेरे साथ, और हम दोनों का, हम सबका है साथ, तो हम फिर अचीव करेंगे अपनी मंजिल को साथ साथ. राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन. हाँ हाँ, करेंगे 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 करेंगे, अभी करेंगे, फिकर मत करो, अभी करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट होता है. ऑब्जेक्टिव जब भी होता है वो स्मार्ट होता है. स्मार्ट का मतलब यहाँ पे खूबसूरती वाला कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट हमने एक एब्रिवेशन बनाई है, राइट? यानी एस फॉर स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिकली क्लियरली बताया गया हो उसका. नंबर टू, वो मेजरेबल हो. नंबर थ्री, एग्रीड हो, सबका उस पर इत्तफाक भी हो, सब एग्री भी हो, और रियलिस्टिक भी हो, और टाइम बाउंड भी हो. आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसा कि मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए कहा गया है, राइट? प्रेम राज, जिनको मैं पीजे कहता हूं, पीजे यानी प्रेम का पी लेता हूं और राज का जे लेता हूं, तो पीजे है आस्क द क्वेश्चन कि सर इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाए, राइट? जनाब देखें, आप यहां पर अपना एक, आपकी इस स्टडी का एक ऑब्जेक्टिव है, गोल तो ये है कि आप सीए करने आए हैं, ये तो आपका गोल है. अब ये गोल के अंदर आपका एम नजर आ रहा है, ये एक नैरेटिव टर्म है, ये एक ब्रॉडर इंटेंशन है कि आई वुड लाइक टू डू सीए. फाइन, ये तो गोल हो गया. अब मैं एसबीसी में से ऑब्जेक्टिव बनाना चाहता हूं कि सर आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय सीए इन 5 years, राइट? अब ये स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया, और एग्रीएबल भी है, मुमकिन है ये, और रियलिस्टिक है, और टाइम बाउंड भी है. जनाब अब बताइए कि आपकी अपनी एग्जाम्पल सीए की कैसी हुई, लग गई ना ये एग्जाम्पल यहाँ पे 100% और ईजी भी है. हाँ, वो कैसे एग्जाम्पल बने गए, हमने आपकी अपनी एग्जाम्पल दे दी, राइट? The point, my dears. Thank you, Maria. Thank you for saying good example. So, my dear students, आप simple कहते हैं कि मैं CA कर रहा हूँ, मैं CA करना चाहता हूँ, मैं it's like I'm doing CA. अब ये आपका just एक aim है कि मैं CA करना है मैंने, right? ये just एक aim है, goal है. इसके अंदर broader intention है कि यार मैं ना बड़ा होकर ना chartered accountant बनना चाहता हूँ. अब इसके अंदर ना कोई आपकी मेजरमेंट नहीं है कि सीए 5 साल में होगा या 15 साल में होगा, राइट? टाइम पीरियड नहीं है इसके अंदर, मेजरमेंट नहीं है, कुछ वो नहीं है, मतलब कि आप उसको टाइम बाउंड भी नहीं कर रहे हैं, मेजरमेंट भी नहीं कर रहे हैं किसी तरह से, एम नजर आ रहा है सर. लेकिन जब आप कहते हैं, अब उसी गोल में से मैं निकालता हूं कि सर, बट सर आई वुड लाइक टू डू माई सीए इन 5 years टाइम, इन नेक्स्ट 5 years इंशाल्लाह आई विल बी सीए इंशाल्लाह. So, अब ये क्या है, अब आपका ऑब्जेक्टिव सामने आ गया,
यानी कि अब ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सामने आया, यानी स्पेसिफिक है, क्लियर है क्या करना चाहते हैं, मेजरेबल है, 5 years एग्रीड है, मुमकिन है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, और टाइम बाउंड भी हो गया कि टारगेट कितने अरसे में अचीव हो सकता है. राइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग नेक्स्ट. अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. अब वो कंपनी वो यहां पे एग्जांपल दी हुई है, हियर इट इज, ये हियर इट इज. ये एग्जांपल देखिए जरा कैसी है, आइए देखते हैं. A company might have a goal of maximizing the wealth of its shareholders. यार मैं ना, मैं ये चाहता हूं ना मेरे जो शेयर होल्डर्स है ना उनकी वेल्थ में इजाफा हो, मेरे शेयर होल्डर्स खुश हों, उनकी जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना उसमें उनको ठीक ठाक रिटर्न मिले. ये तो गोल हुआ, ये मेजरेबल नहीं है, इसमें टाइम पीरियड नहीं है. देखिए मैं जब कहता हूं ना, मैं जब कहता हूं क्या, इट्स ऑब्जेक्टिव माइट देयरफॉर बी टू डबल द शेयर प्राइस विद इन द नेक्स्ट 10 years. अगर मैं कहता हूं कि आई वुड लाइक टू डबल द शेयर ऑफ माई शेयर होल्डर्स विद इन नेक्स्ट 10 years, तो अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बन गया, ये स्पेसिफिक है, क्लियर है, मेजरेबल है, अग्रीड है, रियलिस्टिक है, टाइम बाउंड है. राइट, सो एक और एग्जाम्पल दे दी. ऑलराइट, लेकिन जो आपकी अपनी एग्जाम्पल है ना, चूंकि आप सीए कर रहे हैं इसलिए आपको वो ज्यादा एकदम से आपके ना टिका के आपके हार्ट पे जाके पहुंची होगी और माइंड पे पहुंची होगी. राइट, एंड आई यू हैव अंडरस्टूड दैट थिंग इन अ बेटर मैनर. All right, my dear students, और इसी ऑब्जेक्टिव को, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को हमने यहां मेंशन कर दिया बेहतरीन सा बना के. राइट, कि अगर हमें किसी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वैसा से बन सकता है कि जैसे हम कहते हैं कि माय कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है क्या है, माय इट इज टू डबल द शेयर प्राइस विद इन द नेक्स्ट 10 years. ठीक है, कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने शेयर होल्डर्स का जो है वो शेयर्स की वैल्यू है उसको मैं डबल करना चाहता हूं विद इन 10 years. राइट, अब ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट बेस्ड ऑब्जेक्टिव बन गया. राइट, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बन गया. ऑलराइट, अच्छा जी माय डियर स्टूडेंट्स, दो चार मिनट की बात है जरा ये क्लियर हो जाएगा 2-4 मिनट में, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, आप इस चीज को बेहतरीन तरीके से जहन में सेव कर लेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी आप किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं उसके लिए नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी टू सेट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, यानी आप लॉन्ग टर्म आप ऑब्जेक्टिव तय करें फॉर की एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी. यानी जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फिर लॉन्ग टर्म होता है. राइट, आपको याद होगा हमने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब पढ़ा था, हमने एक चार्ट देखा था उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास के अंदर, यू माइट रिमेम्बर दैट. ये रहा, मैंने आपसे कहा था कि जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, स्ट्रेटजिक एम्स की बात करते हैं, तो स्ट्रेटजी एम्स जो होते हैं वो लॉन्गर टर्म के होते हैं. ये देखें, वो लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं. अगर हम मीडियम टर्म के दरमियानी मुद्दत के लिए कोई अगर प्लान करते हैं तो लॉन्ग टर्म होती है 3 years to 5 years, या 3 years plus होता है वो लॉन्ग टर्म होते हैं. क्या मैं 3 साल या अगले 3 साल या 5 साल में ये काम करना चाहता हूं, ये स्ट्रेटजिक एम्स है आपके, ये लॉन्ग टर्म है.
आमतौर से एक साल से तीन साल के दरमियान जो होते हैं, दरमियानी मुद्दत जो होते हैं, ये टैक्टिकल प्लान्स होते हैं कि जी मैं आइंदा दो साल के अंदर, या आइंदा तीन साल के अंदर, या आइंदा डेढ़ साल के अंदर, ढाई साल के अंदर ये करना चाहता हूँ। ये आपके टैक्टिकल प्लान्स होते हैं, ये दरमियानी मुद्दत के टारगेट्स होते हैं। डन, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जो ऑपरेशनल प्लान्स एंड एम्स होते हैं, ये डेली बेस्ड होते हैं, ये डेली से लेकर मंथली, क्वार्टरली या एक साल से कम कम जो होते हैं, ये ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, थ्री इयर्स एंड अबव, वो स्ट्रेटेजिक एम्स या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाती है। और जो एक साल से तीन साल के दरमियान प्लानिंग होती है, वो टैक्टिकल प्लान्स कहलाते हैं, दरमियानी मुद्दत के। और जो आपके डेली प्लान से लेकर, डेली प्लान्स, वीकली प्लान्स, मंथली प्लान्स, क्वार्टरली प्लान्स, थ्री मंथ्स के प्लान्स, हाफ ईयरली प्लान्स, या ईयरली, या एक साल से कम कम जितने भी हैं, ये सारे के सारे ऑपरेशनल प्लान्स में या शॉर्ट टर्म्स में आते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आते हैं। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया? नहीं 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 वहां जो मैंने बताया था आपको, तो यहां पे मैंने आपको टाइम पीरियड बताने की कोशिश की है, ठीक है? यहां मैंने आपको टाइम पीरियड कि जनाब कोई कहता है मैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहा हूं, मींस लॉन्ग टर्म, टैक्टिकल प्लानिंग कर रहा हूं, दरमियानी मुद्दत की, ऑपरेशन प्लानिंग कर रहा हूं, मींस के डे टू डे या क्वार्टरली या मंथली, हाफ ईयरली, ठीक है? तो इसको आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो गया जो मैंने लास्ट क्लास से बताया था, और आज फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की। ओके, आगे चलते हैं, वहीं पहुंचते हैं जहां पे हम डिस्कशन कर रहे थे। यस, टैक्टिकल को आमतौर से हम दरमियानी मुद्दत में काउंट करते हैं। आगे जाके एक चैप्टर और भी आएगा जहां पे हम इन तीनों को और डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी, राइट? और उसके अंदर बहुत सारी और भी एग्जांपल्स आएंगे अजीम साहब, राइट? ओके, अच्छा जी, अच्छा यहां पे आप थोड़ा सा हम इसको मजीद आगे समझने की कोशिश करते हैं। Although क्लास का टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन हमने चूंकि मगरब की नमाज का ब्रेक लिया था, तो आई होप के माई डियर स्टूडेंट्स नाराज नहीं होंगे अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर जा रहा है तो, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, और इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद फायदा ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है? माई डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू अचीव द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, it is necessary to set the strategic objective for key aspects of strategy, right? जैसे मैं कहता हूँ to increase the annual profit after tax by 125% in the next 10 years, ये in terms of एक मेरी strategy है, right? अब ये मेरा corporate objective है कि मैं आइंदा इतने अरसे के अंदर इतना परसेंट अचीव करना चाहता हूँ। अच्छा जी, सो जो है, व्हाट डू मीन टू से, क्या कहना चाह रहे हैं? इज दिस ऑल क्लियर? अंडरस्टूड? वुड लाइक टू से समथिंग? ओके, सब क्लियर है? ऑल राइट, ठीक है, डन। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। सो इन ऑर्डर टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, वो एक तरह की स्ट्रेटजी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। उसके अंदर पता चलता है कि हम नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर क्या करना चाहते हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि एक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल ये हो सकती है कि टू इंक्रीज, जैसे कोई कहता है कि जी हमने पहले बेसिक हमने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे कि सीए में 5 years में करना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू डू माय सीए इन 5 years, ठीक है? अब मैं जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ, किसी कंपनी की बात करता हूँ, तो उसके अंदर क्या होगा, वो इस तरह से होते हैं कि जनाब आई वुड लाइक टू इंक्रीज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय 125% इन द नेक्स्ट 10 years, कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर
मैं आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है, टैक्स पे करने के बाद वाला जो प्रॉफिट है वो 125% करना चाहता हूं, यानी टैक्स पे करने के बाद भी मुझे 125% प्रॉफिट बच रहा हो, ये नेक्स्ट 10 इयर्स में यहां इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मेरा ये कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। डन है काशिफ, इज दिस ओके? डन हो गया? इज दिस क्लियर और नॉट, ताकि मैं इसको देख सकूं कि हाँ व्हाट यू वांट टू से। काशिफ इकबाल, इज दिस क्लियर? क्योंकि बाजू आपके स्टेटमेंट ऐसा आता है कि जो समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन चले टाइम्स आया होगा, अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो मैं रुका रहूंगा, टाइम्स आया होगा, लेट्स प्रोसीड, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, काशिफ इकबाल ने मैसेज दिया है कि ठीक है, यस सर क्लियर, ऑल राइट, डायरेक्ट में मैसेज दे दिया मैंने, ऑल राइट ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, और इसी तरह से है कि टू इंट्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 3 न्यू प्रोडक्ट्स, कि हम एवरेज 3 नई प्रोडक्ट्स एवरी ईयर्स ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर मेरा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है कि मैं हर साल 3 नई प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता रहूंगा नेक्स्ट 10 इयर्स तक, ठीक है जी, इज दिस ओके? देखें अरहम जिशान, काशिफ इकबाल एंड ऑल दोस, मैं इसको यूं क्लियर करूं कि देखें, एक होता है नॉर्मल ऑब्जेक्टिव किसी आपका मेरा, किसी आई वुड लाइक टू डू माय सीए इन 5 इयर्स, मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि एक बड़े लेवल पे बात करता हूं तो मेरा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, कॉर्पोरेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं, कैसे, जैसे ये बने हुए हैं, ये बना हुआ है क्या कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मिसाल के तौर पे एबीसी इंटरप्राइजेस, अब मैं अपना कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बनाना चाहता हूं तो क्या बन रहा है, आई वुड लाइक टू इंक्रीज माय एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय 125% इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, कि नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर मैं अपना प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट टैक्स अदा करने के बाद भी 125% देखना चाहता हूं, करना चाहता हूं। अब मेरा ये कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैंने सीए का आपको बताया था, ठीक है, वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव था, लेकिन यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट, कॉर्पोरेट का मतलब होता है एंटिटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी फर्म, यानी इदारा, ठीक है। तो हम में से कुछ स्टूडेंट्स की जब बेसिक थोड़ी सी अगर वीक होती हैं तो वो कॉर्पोरेट की मीनिंग नहीं पता, अगर किसी को एंटिटी की मीनिंग नहीं पता है तो उसमें फिर चीजें थोड़ी सी क्लियर हो सकता है, समटाइम्स क्लियर नहीं हो। कॉर्पोरेट का मतलब है, एंटिटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, इदारा, तो ये फिर अब कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, यानी पूरे इदारे का, ये पर्सनल किसी शख्स का नहीं है, ये इदारे का ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रखता है, वो क्या चाहता है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में कहां दिखना चाहता है वो अपने आप को, उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, राइट? इज दिस ओके? इसी तरह से ये मेरा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, ये 10 इयर्स की बात हो रही है ना, लंबे अरसे की बात हो रही है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। मैंने अभी ऊपर जाके आपको जो टेबल दिखाया था, उस टेबल के अंदर मैंने आपको वो जो मुद्दत बताई थी, टाइम पीरियड बताया था कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव का टाइम पीरियड क्या है, टेक्टिकल का क्या है और शॉर्ट टर्म का क्या है, इसीलिए मैं वापस वहां गया था पिछली वाली क्लास पे, राइट, ताकि मैं आपको बता सकूं कि देखो यहां पर 10 इयर्स की बात हो रही है, तो इसलिए ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म है, राइट? ये देखें यहां पे भी 10 इयर्स की बात हो रही है, राइट? यू गॉट इट? ये तीसरी वाली देखें, यहां पे भी 10 इयर्स की बात हो रही है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी स्ट्रेटेजिक का मतलब लॉन्ग टर्म, कॉर्पोरेट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ये कि मैं 10 साल के बाद मैं इतना मुनाफा टैक्स के बाद हासिल करना चाहता हूं। अब तो समझ में आ गया होगा, राइट? एवरीवन क्लियर 100%? अब तो मेरे माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स आर क्लियर ना, अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ ठीक है। मैं ट्राई करता हूं कि मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो हैं वो इसको अच्छी तरह से समझ सकें, कोई किसी तरह किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है,
और शुरू में इसीलिए हमारी स्पीड भी थोड़ी सी कम होती है, हम कम स्पीड रखते हैं शुरू में. रीजन कि हम इसके बेसिक्स आपको कन्वे कर दें, क्योंकि जो शुरू के तीन चैप्टर्स हैं बेसिक्स हैं, इसके अंदर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, राइट. इसलिए हमें इसको आपको थोड़ी सी इस पे जान लगानी है हमने. और जब आई कैप ने इन चीजों को बहुत फोकस किया है तो हमने भी फोकस करना है. हम इसको इग्नोर मारेंगे तो पता चला एग्जाम के अंदर मार्क्स के अंदर हमें इग्नोर मार देंगे, राइट. ओके, सो आपको अंदाजा हो गया कि एक छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव हमारे और आपके ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं. वो जो एग्जाम्पल दिए थे ना, क्या वुड लाइक टू सी ए इन 5 years, तो ये तो आपका आपका अपना ऑब्जेक्टिव है, मेरा है, आपका है, किसी और का है, इंडिविजुअल का है. लेकिन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इदारे के होते हैं, तो वहां पे वो मजमूई ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, वो टैक्टिकल मीडियम टर्म के भी हो सकते हैं, और वो स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं. और वो मुद्दत पर डिपेंड करता है कि कितने कितने अरसे का कौन सा कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, उसी हिसाब से वो सेट होता है कि लॉन्ग टर्म है या मीडियम टर्म है या शॉर्ट टर्म है. तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की बात की है, क्योंकि ये 10 ईयर्स के हैं तीनों एग्जाम्पल्स, राइट. ओके, पूरी मैं कोशिश करता हूँ, पूरा जोर लगा रहा हूँ कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और आपके पूरे इस जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 100% क्लियर हो, राइट. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक लाइन है ये बड़े काम की है. आइए देखते हैं कौन सी. ओ ये आइए गौर से देखते हैं. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन देयरफॉर बी यूज्ड टू कन्वर्ट एन एंटिटीज मिशन इनटू स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज विद स्ट्रेटजिक टारगेट्स फॉर अचीवमेंट विद इन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग पीरियड. ये जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं, बेसिकली लेके इसके जरिए से आप अपना अपनी कंपनी का एक मिशन बताते हैं, एक विजन बनाते हैं. यानी आप अपने ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रख के, अपने गोल्स को मद्देनजर रख के, आप बेसिकली अपनी कंपनी का विजन और मिशन बना रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, राइट. तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली यूज्ड, गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज होते हैं किस काम के लिए, टू कन्वर्ट एंटिटीज मिशन, के उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस एंटिटी का मिशन क्या है उसकी, कि वो कितने अरसे में अपने आप को कहां देख रही है, क्या करना चाहती है, ये इसको बता रही होती है. ऑलराइट, सो वो टाइम बाउंड कर देते हैं. ऑलराइट, अच्छा, हु डिसाइड्स मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये डिसाइड कौन करता है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिसाइड करने वाले लोग उसके लीडर्स होते हैं. कंपनी की जो प्लानिंग है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसके जो गोल्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो मिशन एंड विजन है, वो उसके लीडर बता रहे होते हैं. वो लीडर्स कौन हैं? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, यू माइट रिमेम्बर, हमने कहा था कि टॉप पे आपके पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो मिलकर काम को चला रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा होता है. टॉप पे एक कोई MD, कोई CEO, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई चेयरमैन, कोई प्रेसिडेंट उस कंपनी का हेड होता है. उसके अंडर में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टर फाइनेंस है, डायरेक्टर मार्केटिंग है, डायरेक्टर सेल्स है, ये सब लोग होते हैं. डायरेक्टर्स के अंडर में जनरल मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स के अंडर में डिप्टी जनरल मैनेजर्स, DGMs होते हैं, उनके अंडर में सीनियर मैनेजर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स के अंडर में मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के अंडर में डिप्टी मैनेजर्स होते हैं, डिप्टी मैनेजर्स के अंडर में असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स के अंडर में जूनियर ऑफिसर्स या जूनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और उनके अंडर में बाबू लोग होते हैं, क्लर्क लोग होते हैं. यानी जूनियर असिस्टेंट या जूनियर एग्जीक्यूटिव सबसे छोटा ऑफिसर है, उसके अंडर में सीनियर असिस्टेंट है यानी सीनियर क्लर्क, सीनियर बाबू, उसके अंडर में असिस्टेंट यानी बाबू यानी नॉर्मल क्लर्क, और उसके अंडर में जूनियर असिस्टेंट यानी जूनियर क्लर्क, जूनियर बाबू, हाँ छोटा बाबू, और उन सब के अंडर में सबसे नीचे कुली, क्लीनर, खानसामा, प्यून, अटेंडेंट, ड्राइवर, गार्डनर, ये सब लोग आ जाते हैं. तो ये जो मैंने आपको इतनी बड़ी हायरार्की बताई थी, बेसिकली ये मैंने इसलिए बताई थी कि आपको ये समझा सकूं कि कॉर्पोरेशन या इदारे को लीड करने वाले ऊपर जो लोग होते हैं वो बेसिकली लीडर होते हैं. और लीडर कौन होते हैं?
लीडर आपने बनना है जाके, आपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, आप जाके कहीं मैनेजर बनेंगे, कहीं जाके सीनियर मैनेजर बनेंगे, फिर जाके कहीं डायरेक्टर बन जाएंगे, कहीं पे आप जाके CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनेंगे, कहीं जाके COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनेंगे, कहीं जाके आप जो है CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे। तो आप लोग लीडर होते हैं, आप लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑब्जेक्टिव मिशन एंड विजन डिसाइड करना होता है, या आप लोग होते हैं to decide the objective or the objective or goal or mission and vision of the organization, right? ये आप लोगों को जाकर decide करना होता है, आप लोगों को बनाना होता है, all right? My dear students, आप लोग कुछ ही अरसे में, 2-3 साल में कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बन जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ खुश नहीं कर रहा, मैं आपको खुशफहमी में नहीं लेके जा रहा, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं जज्बे जुनून पैदा कर रहा हूं कि आपकी वो फील्ड है कि ये जो डिसीजन है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता है, डायरेक्टर्स लेते हैं, वो लोग जो टॉप पे जाते हैं CA वगैरह करके, वो लोग लेते हैं, वो लोग जाके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, राइट? द डिसीजन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो डायरेक्टर्स वगैरह है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइड करते हैं, राइट? लेकिन इसके साथ साथ जो उसके जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे के खास तौर से जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट? तो वो उनके भी हमें ख्याल रखना होता है कि वो क्या चाहते हैं, उनको भी मद्देनजर रखना होता है कि जो पैसा लगा रहे हैं, पता चला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के चलाने वाला अपनी मर्जी से सारी चीजें बना रहा है, और जिसे इन्वेस्टमेंट की भी है उसको पूछ ही नहीं रहा, तो वो अपना पैसा निकाल लेगा। यानी आप अपनी कंपनी के मिशन एंड मिशन बनाते हुए, अपने इरादे बताते हुए, अपनी प्लानिंग करते हुए, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए हमेशा अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखेंगे। वैसे तो स्टेक होल्डर्स के अंदर तमाम लोग आ जाते हैं, एम्प्लॉयज के लिए क्या कर रहे हैं आप, अपने एम्प्लॉयर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं जिन्होंने बिजनेस में लगाया पैसा, अपने सप्लायर्स हैं, आपके डीलर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, वो सब लोग स्टेक होल्डर्स में काउंट होते हैं। लेकिन खास तौर से पीपल दोज हु आर इन्वेस्टिंग इनटू योर कंपनी, इनटू योर एंटिटी, इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन, उनका ज्यादा ख्याल रखना होता है, वरना फिर वो विड्रॉ करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं वरना, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने गोल को, इफेक्टिव गोल को सेट कैसे करते हैं, हम अपने गोल्स इफेक्टिव गोल को सेट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। व्हाट आर द टेक्निक्स टू सेट एन इफेक्टिव गोल, व्हाट आर द टेक्निक्स टू सेट एन इफेक्टिव गोल, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। नंबर वन, पार्टिसिपेट इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। जब भी गोल सेटिंग प्रोसेस, यानी आपकी चल रही हो प्लानिंग कि हमने क्या क्या करना है, उसमें सारा बोर्ड, सारे डायरेक्टर्स के मेंबर्स, जितने सीनियर मैनेजमेंट में, वो सब बैठेगी, उन सब का पार्टिसिपेशन होगा, राइट? नंबर टू, आपको मोटिवेटिंग वर्क, यानी कि एक मोटिवेशनल किस्म का जो है आपको एनवायरमेंट रखना होगा। ऐसा नहीं हो कि दो आदमी कह रहे हैं कि सर ये करना है हम कर सकते हैं, और तीसरा आदमी या चौथा आदमी अलग से कह रहा है नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता, सर हम तो ये नहीं कर रहे हैं, सर नहीं हम आपके साथ नहीं है, तो फिर आपके गोल सेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके अपने साथी आपके साथ नहीं है, राइट? नंबर थ्री, इंश्योर देयर इज अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अपने गोल्स को आप कामयाबी से उस वक्त अचीव करते हैं जब आपको प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड हो रहा हो, राइट? आपको प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है, हाँ जी सही चल रहा है, यस सर इस काम से जो आपने ये चीज की है इससे ये चीज हो रही है, हाँ सर ये सही है, इस तरीके से काम सही हो जाएगा, हाँ सर ये काम सही हो रहा है, ये ऐसे ही होगा। देखें ड्यूरिंग द लेक्चर में क्या करता हूं, ड्यूरिंग द लेक्चर में क्या करता हूं, मैं आपसे फीडबैक 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 मांग रहा होता हूं, है ना जवेरिया? हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बार बार फीडबैक मांग रहे होते हैं, क्यों? फीडबैक मेक्स माय लेक्चर इफेक्टिव इंटरैक्टिव, राइट? मैं अपना जो मेरा गोल है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा इस तरह से, लेकिन मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो मेरा गोल अचीव नहीं हो सकता आपको पढ़ाने का, राइट? बस अब हम इसको अपने इख्तिताम की जानिब लेके जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा है, ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद नेक्स्ट है गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्मार्ट क्या चीज होती है, मैंने बताया था कि आपके जो गोल्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एग्रीड होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। तो आपके गोल जो है इफेक्टिव गोल तब होंगे जब वो स्मार्ट हों,
ठीक है, और स्मार्ट आई थिंक आपको क्लियर है, मैं आपको स्मार्ट अभी पिछले पेज पे पढ़ा चुका हूं, राइट ओके. इसके अलावा अलाइन पर्सनल एंड कमर्शियल गोल्स. देखें आपके पर्सनल गोल्स होते हैं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वहां मेरी ग्रोथ हो, वहां मुझे इंक्रीमेंट मिले, वहां मुझे प्रमोशन मिले, ये तो आपके पर्सनल गोल है कि आप खुद तरक्की करना चाहते हैं. लेकिन एक होते हैं कमर्शियल गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल. वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करे, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन ज्यादा हो, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सके, कमा सके. माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों गोल अलाइन होने चाहिए, इन दोनों के दरमियान लिंक होना चाहिए. अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं पाकिस्तानी लोगों की तरह से कि आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं तरक्की करूं, मेरी इनकम हो, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको जो होता है होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा. तो इफेक्टिव गोल तभी अचीव होते हैं जब वो अलाइन हो, यानी आपके जाती तरक्की के गोल और कमर्शियल यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ये दोनों के दरमियान अलाइनमेंट होनी चाहिए. अलाइनमेंट का मतलब है हम आहंगी होनी चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, राइट तब आपके गोल इफेक्टिव होंगे. और नेक्स्ट इज के व्हेन रिकॉर्डिंग गोल्स, जब आप रिकॉर्डिंग आप गोल्स को लिख रहे हो, अपने पास बना रहे हो, स्टेट देम इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में लिखते हैं, यानी नेगेटिव टर्म में नहीं लिखते, उसको इस तरह से बनाते हैं कि जैसे वो अचीवेबल हो, राइट. और सेट प्रायोरिटीज, यानी आप गोल को अचीव करते वक्त पहले क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, थर्ड लेवल पे क्या करेंगे, ताकि पूरा गोल आपका अचीव हो जाए, राइट. सो ये आपका एक जो है वो दिस इज अ वे हाउ वी मेक इफेक्टिव गोल्स, राइट. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम छोटा सा ये जो प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन है इसको देखेंगे, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो रहा है. इसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, वो आपको होम असाइनमेंट है, आपने उसको स्टडी करके देखना है और समझना है. TCL का OTL का जो दिया हुआ है यहाँ एग्जाम्पल, ये और आपका जो फैंसी अप्रैल का है, ये आपका होम असाइनमेंट है. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है याद करने की. आई सेड ना कि ये बुक आपने रटे नहीं लगानी है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट समझते चले जाइए, आप इसके एमसीक्यूज कर लेंगे, राइट. और ईच एंड एवरी चैप्टर देयर इज एमसीक्यूज गिवन. इसके अलावा हमारे पास भी बेहतरीन किस्म के एमसीक्यूज का खजाना है, हम आपकी टेस्टिंग करते रहेंगे वक्तन फवक्तन, राइट. तो आप अगर मेरे साथ साथ इस लेक्चर को अटेंड करेंगे, देन यू वुड बी एबल टू असिस्ट योरसेल्फ इन दैट टेस्ट. हम साथ साथ आपको तैयारी करवाएंगे, आप फिकर बिल्कुल नहीं कीजिए, राइट. अभी मैंने 10 चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस अभी करवाई थी स्टूडेंट्स को, जो बैच 5 के थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह उसमें से मेजॉरिटी जो है वो 90% प्लस लेके गई है स्कोर. और दो स्टूडेंट ऐसे हैं, बशार रफीक और समीत कुमार, ये दो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 100 मार्क्स 100 बाय 100 लिए हैं. और समीत कुमार हमारे साथ एक ऐसे जबरदस्त स्टूडेंट हैं जिसने मीरपुर खास बोर्ड से अभी बोर्ड टॉप किया है, ठीक है, बोर्ड टॉप किया है उन्होंने, ठीक है. हाँ आफाक, हम वक्त आने पे सब कुछ करेंगे, यू डोंट वरी, ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम सब चीजें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम आने दें. तकड़ ना कहो, इंशाल्लाह गुड आएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय गोल्स, राइट, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय गोल्स. अब हम देखते हैं कि देखें, द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोटिवेटिंग गोल्स आर दोज दैट आर चैलेंजिंग येट रिमेन अचीवेबल. अगर कोई अपने आप गोल्स बनाते हैं, राइट, अगर आप कोई इफेक्टिव और मोटिवेटिंग गोल्स बनाना चाहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो चैलेंजिंग तो हो, यानी मुश्किल तो हो, लेकिन येट अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, राइट. गोल जब भी कोई होता है वो ऐसा होता है जो चैलेंजिंग जरूर होता है लेकिन अचीवेबल होता है. ऐसा चैलेंजिंग नहीं होता है कि वो अचीवेबल नहीं हो, राइट. सो माय डियर स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स देखते हैं. देखें, जैसे एक अनरियलिस्टिकली चैलेंज है ये कि रिजल्ट
as the employee simply gives up. यानी हम में से कोई कह दे अब ये एक प्रॉब्लम है, क्या कोई ऐसा अनरियलिस्टिक चैलेंज आपने दे दिया कि आपके जो मुलाजमीन है वो सिंपली गिव अप कर दें, हार मान लें, नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते ये। अब ये अनरियलिस्टिकली आपने चैलेंज दिया उनको, लेकिन और ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्या कि इतना इजी दे दिया, इसका रिजल्ट क्या है कि एम्प्लॉयज स्लैकिंग ऑफ, फीलिंग अंडर यूटिलाइज एंड लैकिंग इंस्पिरेशन। यानी ऐसा भी नहीं हो कि वो हार मान लें, गिव अप कर दें कि यार हम ये अचीव नहीं कर सकते, इतना टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते, और इतना इजी भी नहीं हो, इट शुड नॉट बी टू इजी, और इतना इजी भी नहीं हो कि लोग जो है उसको इतना इजी ले लें कि यार ये क्या काम हमें दे दिया है, वो अपने आप को अंडर यूटिलाइज समझें कि यार हमें अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है, यार देखो हम तो इस लेवल के लोग हैं, हमने सीए किया हुआ है, हमें क्लरिकल काम दे रहे हैं, राइट, हमें कह रहे हैं यार ये एंट्रियां पास करके दे दो, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमें तो ऑडिट करना है, या उनकी इंस्पिरेशन खत्म हो जाए उस काम से, राइट, उनकी उनकी उसमें तो दिलचस्पी खत्म हो जाए, इतना कोई इजी काम हो। तो जनाब बोथ एक्सट्रीम्स के, ये दोनों दोनों की दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दोनों के दोनों तरफ इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीम्स हैं ये, ना ही आपको आपका गोल अनरियलिस्टिकली चैलेंज हो कि जो अचीवेबल ना हो, जिस पे लोग हाथ जोड़ लें, माफी मांग लें, कहें हमसे नहीं हो रहा है, हार मान लें, और ना ही वो आपका जो गोल है वो ऐसा हो जो बहुत इजी हो, जो बच्चा बच्चा करके दे दे, कहे ये लीजिए, ये लें, ये मैंने कर दिया है। सो ऐसा भी नहीं हो कि एम्प्लॉयज समझे कि हमें अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है, हमारी लेवल के मुताबिक हमसे काम नहीं लिया जा रहा है, और उनकी इंस्पिरेशन खत्म हो जाए। तो ये दोनों चीजें प्रॉब्लम्स हैं गोल्स के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, यू गॉट द पॉइंट, डन हो गया। तो गोल्स जो होते हैं ना, दैट क्रिएट इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड कैन लीड टू अ नैरो फोकस। जो जो प्रॉब्लम्स आती है ना, ज्यादातर वो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि लोग अनरियलिस्टिक चैलेंज दे देते हैं कि ये करो जो अचीवेबल नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है, गोल अचीव नहीं हो सकता, या वो इतना इजी कोई गोल आपको दे दिया, इतना इजी कोई काम दे दिया, वो इतना इजी है कि आप कहते हैं यार ये क्या दे दिया यार, ये भी कोई गोल है, ये भी कोई काम है। हाँ, फुटबॉल का गोल करने के लिए भी आपको कई लोगों को डॉच देके डी के अंदर जाके फिर किक करनी पड़ती है, और वो भी सही एंगल पे करनी पड़ती है, तब जाके गोल होता है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ, लेकिन आपको जो है वो अगर वो वहां पे चैलेंज नहीं हो कोई भी गोल करने का, और आप गोल करते हैं तो वो आपका ऐसे ही, आपको रोकने वाला कोई है नहीं, और आप सीधे खुद लेके जाके गोल कर रहे हैं, तो इट दैट इज टू इजी। तो दोनों ही सिचुएशन जो है अनरियलिस्टिक ना भी ना हो और बहुत ईजी भी नहीं हो, राइट, so ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए, राइट जी, इज दिस ओके, ऑलराइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आई होप दिस इज क्लियर, एंड यहां पे एग्जांपल्स दो दी हुई हैं, एक एग्जांपल दी हुई है ओटीएल की, और इसके अंदर बिजनेस गोल्स दिए गए हैं, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, ये समझ लेंगे तो बात हो जाएगी। ये बोर्ड ऑफ ओटीएल, बोर्ड ऑफ ओटीएल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स का मजमू होता है बोर्ड कहते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो ओटीएल कंपनी है उसने उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, टू कीप द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मैटर्स इन पर्सपेक्टिव व्हाइल एस्टैब्लिशिंग इट्स गोल्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए गोल्स बनाने जा रहे हैं, राइट, अब लाजमी सी बात है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए करने जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजिकल होंगे, ये टैक्टिकल होंगे या शॉर्ट टर्म होंगे, कौन से होंगे, राइट, मुझे डायरेक्ट मैसेज के अंदर भी कई लोग डायरेक्टली भेज देते हैं आंसर, तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजिकल होंगे, यानी कि ये लॉन्ग टर्म होंगे, 10 ईयर्स आ गया ना तो स्ट्रेटेजिक होंगे, ऑलराइट, गुड। अब देखिए, अब यहां पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये जो आपको दिए गए हैं, ये गोल्स जो दिए गए हैं यहाँ पे, इसको आपने पढ़ना है कि आप देखिए क्या ओटीएल के ये जो गोल्स बनाए गए हैं ये रियलिस्टिक हैं या नहीं है। ये हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे असाइनमेंट्स का पूछना है, और बस इसको आपसे हम असाइनमेंट का थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर हम नेक्स्ट चले जगह चले जाएंगे, और
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. बस मैं यहाँ कॉन्क्लूजन करता हूँ कि ये दो एग्जाम्पल्स आपके पढ़ने की हैं, एक ओटीएल वाली और एक नेक्स्ट पेज पे फैंसी अपेरल की. नेक्स्ट पेज पे फैंसी अप्रैल पी, ये आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसकी एग्जांपल्स हैं. यू नीड टू गो थ्रू इट. और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के शुरू में हल्का सा डिस्कशन करेंगे, आपसे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि जनाब क्या क्या आपने डिफ्रेंशिएट किया है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर क्या चीजें समझ में आई हैं. बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है. और यहाँ पे ये लेक्चर हमारा समअप हो रहा है. ये जो छोटा सा टेबल दिया हुआ है लास्ट के अंदर, यहाँ पे ये हमारा समअप हो रहा है. और इसके अंदर, इस टेबल के अंदर बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है, ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, जैसे अब यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, गोल्स के साथ लिख दीजिए कि गोल्स आर ब्रॉडर, लिख दीजिए गोल्स आर ब्रॉडर. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के साथ लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव्स आर नैरो, यानी इसको आप नैरो होते हैं, मेजर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं. गोल्स के साथ लिख दीजिए ब्रॉडर होते हैं, राइट, ये ब्रॉडर होते हैं, राइट. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गोल है हमारा इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट बाय 15% बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू व्हाइल लिमिटिंग एक्सपेंसेस, राइट. अब इसके अंदर हम ये नहीं बता रहे कितने एक्सपेंस कम करने हैं, क्या करना है, हमने सिर्फ एक ब्रॉडर टर्म में कह दिया कि जी हमने प्रॉफिट अपना 15% इंक्रीज करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, हम लिमिट कैसे करेंगे इसको, एक्सपेंसेस को कुछ नहीं लिखा हुआ, ये एक ब्रॉडर हो गया. ये हम अपनी ग्रोथ, किसी कंपनी की ग्रोथ और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम जो 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 गोल्स हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं. लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आर नैरो, राइट, वो ज्यादा क्लियर होते हैं. तो हम क्या कहते हैं, हम अपनी कंपनी की ग्रोथ और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अगर हम उसका ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं. देखिए हमने ये तीन चीजें लिखी हैं उसके लिए, क्या, इंक्रीजिंग एनुअल सेल्स बाय 25%. हमें अगर अपनी कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है तो हमने एनुअल सेल को इंक्रीज करना होगा 25%, और हमने जो है वो एडिंग 5 new customers ईच मंथ, हमने हर महीने 5 new customers को एड करना होगा अपने ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. इसके अलावा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिड्यूसिंग द एनुअल यूटिलिटी बिल्स बाय 5%, कि हमने अपने जो यूटिलिटीज बिजली गैस के बिल्स हैं उनको 5% रिड्यूस करना होगा. माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद ही बताइए मुझे कि अब ज्यादा क्लियर प्लानिंग, ज्यादा क्लियर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी जो प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव से पता चल रही है या कि गोल से पता चल रही है. गोल ब्रॉडर है, अनक्लियर है, वेग है, ज्यादा क्लियर नहीं है, जबकि ऑब्जेक्टिव्स आर मोर क्लियर, राइट. उससे पूरी प्लानिंग सामने नजर आ रही है कि क्या क्या काम करना है आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए. इज दिस ओके? सो ये डिफरेंस है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के दरमियान. ऑलराइट, इसीलिए हमने पहले शुरू में आपको बताया था और मैंने आपको बताया था कि गोल्स जो है वो ब्रॉडर होते हैं, उससे लोग कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं, क्लियर नहीं होते हैं. लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, वो टाइम पीरियड बाउंड होते हैं, उसमें बाकायदा फिगर्स के जरिए चीजें क्लियर की जा रही होती है कि हमने इसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना कैसे है. जैसा कि यहाँ पे हमने बताया कि जी हमने एनुअल सेल्स 25% अचीव करनी है, हमने कस्टमर्स हर महीने 5 new customers लेकर आने हैं. कस्टमर्स आएंगे तो कमाएंगे ना हम लोग, कस्टमर्स नहीं आएंगे तो कहां से कमाएंगे. इसके अलावा हमने अपने यूटिलिटीज बिल्स को, बिजली गैस पानी के बिल्स को 5% कम करना है और हमने कम इस्तेमाल करना है ताकि हमारे बिल्स कम आए और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके. आई माय डियर स्टूडेंट्स, आई बात समझ में आपकी, राइट. सो मैंने आपको ये एक एग्जांपल दी, इसी तरह से मैं अगर आपको मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल दे देता हूं. मिसाल के तौर पे ये थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, इंप्रूविंग स्टाफ रिटेंशन लेस देन 3 employees लीविंग इन 6 months. ठीक है, हमें स्टाफ की रिटेंशन को, रिटेंशन का मतलब होता है कि स्टाफ हम आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, हमें स्टाफ को रिटेन कैसे करें, उनको अपने पास कैसे जोड़ के रखें कि हमारे साथ जुड़े रहें, हमें छोड़ के ना जाएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, इस अमल को रिटेंशन कहते हैं. रिटेंशन का मतलब है कि आपके एम्प्लॉइज आपके पास ज्यादा लंबे अरसे के लिए काम कर रहे हैं, रिटेन रहें, काम करते रहें, उसे हम स्टाफ रिटेंशन कहते हैं. वरना ज्यादातर लोगों की स्टाफ रिटेंशन नहीं होती, ज्यादा लोगों की स्टाफ रिटेंडेंसी होती है, लोग छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं, एक आ रहा है, दो जा रहे हैं, दो आ रहा है, एक जा रहे हैं. ठीक है, सो उसे स्टाफ रिटेंडेंसी कहते हैं. सो स्टाफ रिटेंशन का मतलब यह है कि हम कैसे इंप्रूव करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं वो हमारे साथ काम करते रहे. क्यों, रीजन आगे दिया हुआ है कि लेस देन 3 employees हैव लीविंग इन 6 months, कि पिछले 6 महीने के अंदर हमारे पास लेस देन 3 employees लीविंग इन 6 months, यानी सिर्फ 3 months के अंदर 6 less than 3 employees
लिविंग इन सिक्स मंथ्स, ठीक है, यानी कि हम तीन तीन इंप्लॉइज वहां पर छोड़ के जा रहे हैं सिक्स मंथ से, तो अब हम क्या करें इसके लिए, अब हम ऑब्जेक्टिव क्या, ये तो गोल था ना हमारा कि भाई ये है, ये ब्रॉड, ये जो है ब्रॉडर सा है, इसके अंदर चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, लेकिन अब इसको देखें ऑब्जेक्टिव स्टाफ रिटेंशन कैसे कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ गया कैसे, ये देखिए क्या कि ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज विद इन फर्स्ट 90 डेज ऑन द जॉब, कि अब हम अपने आने वालों की 3 महीने उस जॉब के ऊपर सिर्फ ट्रेनिंग देंगे ताकि उनका दिल लग सके, वो उस चीजों को समझ सकें, और जब समझ जाएंगे चीजों को तो उनका दिल लगेगा और ज्यादा अरसे के लिए हमारे पास रुक जाएंगे। नंबर सेकंड, बाई वीकली, यानी कि हफ्ते में 2 दफा मीटिंग विद 1-to-1 बेसिस, हम अपने एम्प्लॉयज से 1-to-1 बेसिस पे मीटिंग करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप खुश है ना, आपको सही है जॉब समय आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कुछ चीज अगर टेक्निकल समय नहीं आ रही तो हम आपको वो भी अरेंज कर देते हैं, समझा देते हैं। अब ये क्या है, इस मीटिंग के जरिए से भी उनका मोटिवेशन लेवल इंप्रूव कर सकते हैं, राइट, स्टाफ रिटेंशन के लिए। अब ये ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां देख सकते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था, कि शुरू में जो बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, ये यस, यहां मैंने बताया था कि गोल्स जो हैं वो हमारे एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये नेगेटिव टर्म्स है जो नोट करते हैं सर, इसमें सिर्फ इंटेंशन पता चलती है कि हम क्या चाह रहे हैं, राइट, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ज्यादा नैरो होते हैं, ज्यादा क्लियर होते हैं, राइट, ऑब्जेक्टिव जो है उनमें 2 चीजें लाजमी है, वो मेजरेबल होते हैं, वो टाइम बाउंड होते हैं, टाइम पीरियड होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि गोल तो सिंपल ये है कि सर आई वुड लाइक टू डू सीए, आपको गोल है, ठीक है, मैट्रिक पास किया क्या करना चाहता हूँ, सर मैं सीए करना चाहता हूँ, आपको गोल है, इंटर पास कर लिया क्या करना है, सीए करना है, ठीक है, सो दिस इज वॉट, ये तो गोल हो गया, लेकिन जब मैं कहता हूं सर आई वुड लाइक टू डू सीए इन नेक्स्ट 5 years, तो अब ये मेजरेबल भी है, टाइम पीरियड भी है, अब ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट का मतलब है मेजरेबल हो, स्पेसिफिकली क्लियर हो, एग्रीड हो, उस पर आप एग्री भी हो, दिल भी चाहता हूँ कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि वैसे तो कह रहा मैं सीए करना चाहता हूँ, यार क्लास में 50-50 स्टूडेंट आ जाएं और बाद में पता चला कि जी वो कम रह गए, क्यों, एग्रीड नहीं हो रहे, दिल नहीं मान रहा, यार मुश्किल बहुत है, यार कैसे होगा, यार सब चीजें इंग्लिश में है और मेरी इंग्लिश तो वीक है। अब ये क्या है, ये दिल तो दीवाना है, वो तो कहता है कि नहीं हम आसान चीज को कर ले, बस ऐसी कोई प्लेट में रख के दे दे, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप तो चाहते हैं हो जाए लेकिन दिल नहीं मान रहा है, राइट, ये दिल कह रहा है तो दिमाग नहीं मान रहा है, तो एग्रीड नहीं है आप अंदर से। दूसरा, रियलिस्टिक हो, दूसरा, चौथा, टाइम बाउंड हो, तो ये आपकी खसूसियात है आपकी ऑब्जेक्टिव की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले विजन एंड मिशन को क्लियर किया, उसके बाद मैंने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को कर दिया, कि गोल्स आर ब्रॉडर टर्म्स, गोल्स जो है बेसिकली आपके किसी भी एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है, उसका इरादा होता है, जो नैरेटिव टर्म्स में लिखा जाता है या बोला जाता है, या आपकी कंपनी की कोई इंटेंशन है, इरादा है, वो दिखा रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा नैरो माइंडेड, ज्यादा नैरो होता है, ज्यादा करीबी होता है, ज्यादा स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, रियलिस्टिक होता है, टाइम बाउंड होता है, ये डिफरेंस हो गया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के दरमियान। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एज एन असाइनमेंट इन 2 examples को, नंबर 1 आपके सामने OTL की एग्जांपल गिवन है स्क्रीन के ऊपर, और नंबर 2 आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है, दैट इज अ फैंसी अपैरल कंपनी, इसको आप गो थ्रू कीजिएगा और आपको इससे आज की स्टडी का एक जो जिस्ट है वो हासिल होगा, और आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्लियर, मजीद क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के जरिए। नीचे डिफरेंशिएट भी मैंने फाइनली कर लिया है, और इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी रिसोर्सेज होती हैं वो जो जिससे ऑर्गेनाइजेशन चलती है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, आपका फीडबैक ही हमें जो है वो मोटिवेट करता है, और हमें ये बताता है कि जनाब आप किस हद तक हमारे पास चल रहे हैं, और अगर कोई चीज पूछनी हो तो आप इस वक्त यहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं।
राइट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क राइट नाउ, राइट। सो मेरे साथ जो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे थे उन सब ने माशाल्लाह खासा डिटेल जो है